बख्तियारपुर कॉलेज, इज 26। ओके सर, हाँ, नाउ नाउ आई इज पढ़ रहा विजिबल। था, विजिबल ठीक है नाउ। सर, यस सर, ओके, थैंक यू सर। एज आई ऑलरेडी मेंशन दैट दीज आर दी टॉपिक्स आई एम गोइंग टू कवर टुडे, मिथ्स अबाउट जॉब इंटरव्यूज, एडवांटेजेस ऑफ बीइंग अ फ्रेशर, हाउ टू हैंडल इंटरव्यू एंजाइटी, अंडरस्टैंडिंग इंटरव्यूअर साइकोलॉजी, व्हाट टू डू व्हेन यू फील द इंटरव्यू इज स्लिपिंग आउट ऑफ योर हैंड, एंड क्वेश्चन एंड आंसर। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। और आज मैं आपको कुछ बड़े अच्छे टिप दूंगा, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे आप लोग बोलते हैं कि इंटरव्यू के अंदर में मुझे अगर वो टी ऑफर करते हैं तो क्या करें, कुछ एटिकेट्स ऐसे हैं जो हमें पता नहीं होंगे, मैं उसको अगर आज समय मिलेगा तो आज हैंडल करूंगा, वरना मैं उसको कल हैंडल करूंगा। बहुत दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू एटिकेट्स। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं कि हमें हैंडशेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर वो बैठने को बोलेंगे तो हम कहाँ बैठेंगे, अपनी फाइल फोल्डर को लैप पे रखेंगे कि टेबल पे रखेंगे, और कोई अगर बीच में आ जाता है तो क्या हम खड़े हो जाएंगे। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस यू मे हैव इन योर माइंड, जिसको हम इंटरव्यू एटिकेट्स बोलते हैं। तो मैं इंटरव्यू एटिकेट को भी हैंडल करूंगा आज टाइम के हिसाब से, नहीं तो मैं कल पक्का हैंडल करूंगा, और टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर भी मैं कल हैंडल करूंगा, राइट? सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट। और लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, मिथ्स अबाउट जॉब इंटरव्यू। हमारे मन के अंदर जो मिथ है इन जॉब के बारे में, इंटरव्यू के बारे में, मैं वो आपको बताना चाहता हूं। और हमारे मन में देयर आर नॉर्मली 5 मिथ्स अबाउट जॉब इंटरव्यू, 5 मिथ हैं, और इन 5ों मिथ को हमें अलग करना है। सो लेट मी सी हाउ वी हैंडल इट। सो लेट्स गो वन बाय वन। फर्स्ट थिंग अबाउट द इंटरव्यू इज दैट इट इज ऑल अबाउट नॉलेज। एब्सोल्युटली रॉन्ग। इंटरव्यू इज नॉट ओनली अबाउट नॉलेज, नॉलेज इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। हम लोग जब इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो हम सबसे पहले दूसरे को देखते हैं, ओ इसको ज्यादा नॉलेज होगी, ओ माई गॉड ये मोटा चश्मा लगा रखा है, पढ़ने में बहुत तेज होगा, ओ माई गॉड ही लुक्स सो हैंडसम, और ही लुक्स शी लुक्स सो ब्यूटीफुल, मे बी ज्यादा तेज होगी, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हमें लगता है कि ओ इसका CGPA जो बहुत ज्यादा है और ही विल बी सिलेक्टेड। ये बहुत सारे जो इनम्बरेबल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं कि नहीं उसको नॉलेज ज्यादा होगी, वो देखने में बहुत इंटेलिजेंट लगता है और उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ये गलत है। दैट इज फर्स्ट मिथ। इंटरव्यू इज not only about knowledge, there are lots of other factor, and believe me jab main freshers ki baat karta hu to ye cheez aur pakka ho jati hai। remember if you are a fresher your knowledge is limited, you have a bookish knowledge, and that bookish knowledge also there is a very minute difference between you and other friends, right? your classmates, unhone bhi wahi padha hai, aapne bhi wahi padha hai, उसको भी जीरो एक्सपीरियंस है, आपको भी जीरो एक्सपीरियंस है, उसका प्रोजेक्ट अलग हो सकता है, आपका प्रोजेक्ट अलग हो सकता है, आपके और उसके नॉलेज लेवल में 19-20 का फर्क होएगा। सो आप अगर फ्रेशर हैं और आप ये सोचते हैं कि मेरे और उसके बीच में नॉलेज की बात है, वो बहुत बड़ा गैप नहीं होगा। सो दिस पर्टिकुलर फर्स्ट मिथ इज वेरी मच एप्लीकेबल टू फ्रेशर्स। अगर मैं एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हूं और मैं इंटरव्यू देने जाता हूं, तो मुझे कह सकते हैं, सोच सकते हैं कि हाँ इस कैंडिडेट का एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त है, उसका नॉलेज बहुत जबरदस्त है, इसका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन फ्रेशर के केस में ये मिथ आपको ध्यान में रखना है। सो एक आज तो एक बात आप ध्यान से निकाल लीजिए कि इट्स नॉट ओनली अबाउट नॉलेज, नॉलेज इज जस्ट वन फैक्टर, राइट? क्या क्या चीजों की जरूरत है वो मैं आपको बताऊंगा। नंबर टू, The interviewer is always well prepared. ये हम लोगों के दिमाग में हमेशा रहता है, अरे इंटरव्यूअर को हमारे बारे में सब पता है, उसमें CV में हमारे ये लिखा है, इंटरव्यूअर हमसे यही क्वेश्चन पूछेगा, अगर अगर हम जा रहे हैं इंटरव्यू देने तो वो अगर जावा इज माई सब्जेक्ट तो वो जावा की बात करेगा, अगर मैं मैकेनिकल का हूं तो वो बोलेगा वो मुझसे स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, बिकॉज इस इंडस्ट्री में वही लगता है। ऐसा नहीं है, अगर मैं सिविल इंजीनियर हूं तो मैं बोलूंगा जी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ये कंपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, ये गलत है। इट इज टोटली अप टू हिम, जो इंटरव्यू ले रहा है उसकी नॉलेज इतनी होती है कि वो सिविल इंजीनियरिंग के बारे में कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। यस,
मैं ये जरूर कह सकता हूं कि वो अपनी कंपनी के प्रोडक्ट से रिलेवेंट जो बेसिक्स है, बेसिक्स आपका जो फंडामेंटल्स है वो ज्यादा पूछ सकता है, बट ही इज नेवर, डोंट से दैट ही इज ऑलवेज वेल प्रिपेयर्ड। इंटरव्यूअर इतने सीजन होते हैं कि वो अपने रूम में आएंगे और आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे आपको देख करके, एंड यू विल नॉट इवन फील कि ओ माय गॉड आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस क्वेश्चन टू बी आस्क्ड एंड द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड एंड देन यू हैव टू रिप्लाई। सो सेकंड मिथ इज दिस, इंटरव्यूअर इज ऑलवेज वेल प्रिपेयर्ड। रॉन्ग, ही मे बी प्रिपेयर्ड, ही मे नॉट बी प्रिपेयर्ड, राइट? दैट्स अ सेकंड मिथ। थर्ड मिथ, एवरीवन इज मोर क्वालिफाइड देन आई एम। ये मैं हमेशा बोलता हूं, मुझे हंसी भी आती है जब इंजीनियरिंग का कॉम्पिटिशन देने जाते थे 12th के बाद में, और जब हम जाके वहां देखते थे दूसरे कैंडिडेट्स को तो लगता था ओ माय गॉड ये लड़का इतना इंटेलिजेंट लग रहा है, पता नहीं ये क्या कर देगा। यही इंटरव्यू में भी होता था, किसी और को देख के मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं। और तो और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब इंटरव्यू देने जाते हैं और कोई हाथ में बुक लेके पढ़ रहा हो कुछ लास्ट मोमेंट पे, तो हम देख के लगता है माय गॉड ये क्या पढ़ाकू चीज है, ये तो पक्का अंदर हो जाएगा। दैट्स हाउ सो मेनी क्वेश्चंस कीप कमिंग टू आवर माइंड, और वो हमारे अंदर में डर पैदा करता है। हम सोचते हैं यार वो ज्यादा क्वालिफाइड है, ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो ठीक से बोल पाएगा। और ऐसे ऐसे लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, इफ यू फील दैट समबडी इज मोर इंटेलिजेंट देन यू, जो बाहर इंटरव्यू हॉल के बाहर आपको बहुत, जिसको मैं एक नॉर्मल प्लेन लैंग्वेज बोलता हूँ, तुर्रम खान लगते हैं कि अरे वाह ये बंदा अंदर जाएगा और ये तो शूट करके आ जाएगा, वो अंदर जाके बोल नहीं पाते हैं। ऐसे लोग हैं जो बाहर आपको ऐसे दिखेंगे कि वेरी स्मार्ट बातें कर रहे हैं और अंदर जाकर के बिल्कुल भी। तो आप कभी भी किसी को देख करके प्लीज डोंट फॉर्म एनी इमेज अबाउट एनी बडी, वो तो भैया वो तो एकदम मास्टर, ऐसा नहीं है। सो दिस इज द थर्ड मिथ, आपको आपको अपने दिमाग से निकालना है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बिकॉज आप जस्ट इसके ऊपर काम करिएगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि उसकी नॉलेज ज्यादा होगी, ज्यादा प्रिपेयर्ड होगा, ज्यादा क्वालिफाइड होगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इंटरव्यूअर नोज दैट, वेरी इंपॉर्टेंट, द इंटरव्यूअर नोज दैट आई एम इंटरेस्टेड इन द जॉब बिकॉज आई एम हेयर। यस, that is what as a fresher especially you need to prove yourself that you are there for the interview, doesn't mean you need a job, you need to prove yourself, you need to show the attitude mentioning that yes I am interested in the job. Don't have an impression in your mind that yeah I have come with my CV, I am here, I need a job. No, absolutely wrong, absolutely wrong, मैं बार बार बोलता हूं। और मैंने खुद पता नहीं कितने इंटरव्यूज लिए हैं, और जहां मेरे को ये दिखता है कि ये बंदा जो है ये जॉब में इंटरेस्टेड नहीं है, although he has come for the interview, but is he really interested in the job? Whether he is really interested in the job or not, that he will be depicted only through his behavior, his the way he communicates, the way he gives me answer. Those are very important to project over there. Not that I just go over there, I go very casual, I answer in such a way. Excuse me, sir. Anybody is saying something? No, sir. Continue, please continue. Okay. So, this point is very interesting, very important that हमें प्रूफ करना है कि हम जॉब में इंटरेस्टेड हैं, और वो हम कैसे प्रूफ करेंगे मैं आगे बताऊंगा। तो हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर, हमारा आंसर, हमारी कीननेस वो शो करेगी कि यस आई एम इंटरेस्टेड इन द जॉब। और मैं बताता हूँ, अगर मैं टेबल के इस तरह बैठा हूँ और इंटरव्यूअर हूँ तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंटरव्यूअर की साइकोलॉजी क्या होती है। आप लोगों ने सोचा नहीं होगा हम जब इंटरव्यू लेते हैं तो हमारे दिमाग में क्या रहता है उस वक्त। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज मिथ नंबर फोर, हमें अपने को प्रूफ करना है। मिथ नंबर फाइव, आई जस्ट नीड टू टॉक generally about my experience. Yes, this is another myth. हम जाएंगे अपने experience के बारे में बात करेंगे या मैं अपने पढ़ाई के बारे में बात करेंगे और मेरा काम हो जाएगा। And यहाँ पे experience को मैं experience/education कर सकता हूँ, experience/studies कर सकता हूँ। गलत है, absolutely wrong। और मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी दूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो है किस तरीके से यू कैन टॉक सो मेनी थिंग्स, यू कैन टॉक वेरी वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट, एंड आप अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं नॉट ओनली अबाउट योर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। सो ये पांच मिथ है, इनको आप दिमाग में रखिएगा, दीज आर वेरी फंडामेंटल एंड बेसिक।
तब आप इंटरव्यू देने जाएगा. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट. व्हाट्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, एडवांटेजेस ऑफ बीइंग अ फ्रेशर फॉर इंटरव्यू. अब आप बोलेंगे कि फ्रेशर होने का एडवांटेज क्या है, आप तो इंटरव्यू में जाएंगे और हमारा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे पास सिर्फ बुकिश नॉलेज है, तो व्हाट इज एडवांटेज. वो तो हमेशा एक्सपीरियंस की बातें करते हैं. रिमेंबर, जब भी आप फ्रेशर हैं, यू हैव द बिगेस्ट एडवांटेज टू क्रैक द इंटरव्यू. लेट मी टेल यू दिस रीजंस, आई विल गिव द रीजंस. आप फ्रेशर हैं, बुकिश नॉलेज है, और इंटरव्यूअर के पास में सबसे बड़ी बात है, इंटरव्यूअर के पास में आपसे पूछने के लिए लिमिटेड क्वेश्चंस. क्या पूछ सकता है आपसे वो? आपका फैमिली बैकग्राउंड पूछेगा, आपके बारे में पूछेगा, वो बेसिक्स हो गए. आपकी पढ़ाई के बारे में पूछेगा, आपके प्रोजेक्ट के बारे में पूछेगा, आपने कहाँ पे इंटर्नशिप करी वो पूछ सकता है, वोकेशनल ट्रेनिंग करी वो पूछ सकता है, सर्टिफिकेशन कोर्स किया वो पूछ सकता है, बुक में जो स्पेशलाइजेशन करी है वो पूछ सकता है. इससे ज्यादा वो कुछ नहीं पूछ सकता. आपकी स्ट्रेंथ पूछ सकता है, आपकी हॉबी पूछ सकता है, आपकी वीकनेस पूछ सकता है. व्हाई शुड आई हायर यू, डू यू थिंक इन सभी चीजों में से कोई ऐसी चीज है जो आपको नहीं पता होगी? अभी अभी आपने कोर्स खत्म किया है, कॉलेज से बाहर निकले हैं, यू आर इन टच विद योर सब्जेक्ट, यू कैन इमिडिएटली आंसर इट. यू कैन इमिडिएटली आंसर इट. अगर वो आपसे पाइथन पे बात करता है या किसी लैंग्वेज पे बात करता है, आप इमिडिएटली उसको आंसर दे सकते हो. यस, अगर वो एक ऐसा एप्लीकेशन बताता है जो उस बेसिक पढ़ाई के ऊपर में है, वहां आप फंस सकते हो, एक अलग बात है. लेकिन वो आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा जो बिल्कुल बेसिक्स होंगे. He will never ask you complicated questions. I am telling it to you. So ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि हम, मैं फ्रेशर हूं और मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, बट द क्वेश्चंस आई एम लाइकली टू गेट फ्रॉम द इंटरव्यूअर आर गोइंग टू बी लिमिटेड. दिमाग में ये याद रखिए. इसलिए वी कैन प्रिपेयर वेरी वेल. जो भी पढ़ा है वो ढंग से पढ़ना है. और सबसे बड़ी चीज मैं आगे बताने वाला हूं, जो इंटरव्यूअर हमें देखना चाहता है, आई विल टेल यू इन नेक्स्ट स्लाइड, वो इंपॉर्टेंट है. आई एम अगेन टेलिंग यू दैट इज इंपॉर्टेंट. सो द एडवांटेजेस ऑफ बीइंग फ्रेशर इज द क्वेश्चन आस्क्ड आर मोस्टली फ्रॉम टेक्स्ट और सब्जेक्ट, राइट. जो भी क्वेश्चन पूछेगा हमारे फाइनल ईयर से होगा या थर्ड ईयर से होगा या सेकेंड ईयर से होगा या उससे रिलेटेड कोई आपने प्रोजेक्ट किया हुआ है उससे होएगा. दीज आर द ओनली एरिया वेयर ही वुड बी आस्किंग यू क्वेश्चंस फ्रॉम. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ बीइंग ए फ्रेशर. सेकेंड एडवांटेज इज योर प्रोजेक्ट इज की टू द इंटरव्यूज. मैं अभी देखता हूं अगले 3 दिनों में मेरे पास समय कितना है. अगर टाइम होगा तो मैं आपको एक कल या परसों एक सैंपल सीवी भेजूंगा. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने प्रोजेक्ट को किस तरीके से अपने सीवी में डालते हैं, बिकॉज ये बहुत की है. लोग क्या करते हैं, यू राइट योर नेम, योर फोटोग्राफ, नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, प्रोजेक्ट टाइटल लिख दिया, काम खत्म. मैंने बहुत बार देखा है. और आप सोचते हैं कि मेरा काम हो गया. आप प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल ही नहीं लिखते हैं. The moment project has more detail, his eyes will go to the project and he will ask you the question of the project. And project is something which you are very well aware of. Project is something which you are thorough with. Project is something which is fresh in your mind. So you have to mention project in such a way that he is bound to ask you question out of your project. That is what a major difference and a major mistake we do. तो हमारे सीवी के अंदर प्रोजेक्ट होना चाहिए. मैं अगर आपको बोलता हूं कि थर्ड ईयर इंजीनियरिंग के बाद मैं थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के बीच में सेमेस्टर गैप होता है, वहां मैं पहले एक वोकेशनल ट्रेनिंग करी या वोकेशनल ट्रेनिंग वो भी बोल सकते हैं आप. मैं इन्फोसिस में गया और इन्फोसिस में 20 दिन की मैंने ट्रेनिंग करी. वो आपको लिखना है, बिकॉज दोज आर इंपॉर्टेंट थिंग. मे बी फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट था मेरा, जो लास्ट सेमेस्टर था, कई जगह पे लास्ट सेमेस्टर फुल प्रोजेक्ट होता है, उस लास्ट फुल ईयर फुल सेमेस्टर का प्रोजेक्ट मेरा विप्रो में था. फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, या मैं अभी किसी और का एग्जाम्पल लेता हूँ. लेटर से मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर्स ने फाइनल ईयर का लास्ट सेमेस्टर टाटा मोटर्स में किया. यू हैव टू शो दैट वॉट यू डिड ड्यूरिंग दो 6 months ऑफ प्रोजेक्ट, दैट विल मेक द डिफरेंस. उसको अच्छे से लिखना है. अगर आपने सेमेस्टर एक्सक्यूज मी सर, सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, समवन हैज म्यूटेड यू, सॉरी.
Sir, still not audible. Sir, please unmute yourself, sir. Yeah, somebody muted me. 1 minute, sir. Please yes, follow sir, the discipline. Otherwise, I am remove. जो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उनको मैं रिमूव कर दूंगा, फिर एडमिट नहीं दूंगा मीटिंग में. तो प्लीज बी डिसिप्लिन. सॉरी सर फॉर द इंटर. नो प्रॉब्लम. अभी आपने कब से मेरे को सुन नहीं पाए, कितना देर हो गया? विद इन सेकंड सर, विद इन सेकंड. अच्छा, ओके ओके ओके. नाउ आई हैव टू पुट, सॉरी, is it can you see my presentation? Yes sir. Yeah sir. Visible sir. Visible. Okay. Yeah. So where was I? Yeah. So I was mentioning that अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट करा है या सर्टिफिकेशन कोर्स किया है या आपने किसी स्पेसिफिक चीज में पार्टिसिपेट किया है, कोई क्विजेस है, आप लोग हैकाथॉन करते हैं, उसके अंदर में जो टेक्निकल है, जो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड, वो सारी चीजें आनी चाहिए, बिकॉज वो आपसे उन्हीं से क्वेश्चन पूछेगा. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू कैन आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव. ये तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. एज अ फ्रेशर इंटरव्यूअर कभी ये देखता नहीं है कि आप एग्जैक्ट सही आंसर देंगे. आप अगर क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी आंसर देते हैं, जो कि आपका फ्रेश माइंड आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होकर के आप एक आंसर देते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, और हमेशा आप देखेंगे कि वो उसको एक पॉजिटिव पॉइंट लेकर के, बहुत सारे सिलेक्शन इस बेस पे होते हैं कि या इस बंदे की सोच अलग है, इस प्रॉब्लम को अलग तरीके से देखता है. देखिए, जो इंटरव्यूअर है वो बहुत सालों से कंपनी में काम करता आ रहा है, मे बी वो भी उस क्वेश्चन को वैसे ना सोचे जिस तरीके से आप सोच सकते हो. मे बी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगा के कह सकते हो. सो ये हमेशा याद रखिए, अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर ऑफकोर्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव में दिया है, बट इट शुड बी रिलेटेड टू क्वेश्चन. ऐसा नहीं कि आप उसको घुमा रहे हैं, नो, इट विल गो अगेंस्ट यू. बट क्वेश्चन को ही आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सॉल्व कर रहे हैं तो दैट गोज इन योर फेवर. डोंट हैव ए इमेज कि नहीं यार, वो हम तो मैंने ऐसे आंसर दिया तो गलत हो जाएगा. नो, दे विल टेक इट इन ए राइट पर्सपेक्टिव. सेकेंड वन इज, इफ आस्क्ड, यू कैन टॉक अबाउट योर हॉबीज, इंटरेस्ट, मेकिंग द कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग. मैंने आप लोगों को, आई डू नॉट रियली नो, मैं आपको लास्ट सेशन में एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स बताऊंगा अपने, जो मैंने हैंडल करे हैं अपने पर्सनल लाइफ में, जब मैं इंटरव्यू देता था और किस तरीके से जब इंटरव्यू मेरे हाथ से स्लिप कर रहा था तो मैंने वापस इंटरव्यू को अपने फेवर में लेके आया, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा. और बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है That you would understand कि किस तरीके से जब इंटरव्यू आपके हाथ से स्लिप करे तो कैसे उसको वापस अपने ग्रिप में लेके आना है, राइट? और एक और दूसरी बात, आप अपने हॉबीज, इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये ऐसा सब्जेक्ट है कि हम सब बात कर सकते हैं, और एज अ फ्रेशर वो आपसे इसके बारे में बात कर सकते हैं. और ये ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आपने अच्छे से बात करा तो कई बार क्या होता है कि पूरा का पूरा इंटरव्यू सिर्फ आपके हॉबीज इंटरेस्ट पे चला आता है. दे विल जस्ट लव टॉकिंग टू यू. बेसिकली एज अ फ्रेशर इंटरव्यूअर ऑलवेज लाइक्स टॉकिंग टू पीपल, एंड दैट इज व्हाट इज अ वेरी मेजर पार्ट, दैट्स एडवांटेज ऑफ बीइंग अ फ्रेशर. ओके, सो दैट इज अनदर पार्ट. नेक्स्ट वन इज, द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम कैंडिडेट इज नॉट वेरी हाई. As I've told you, they are not expecting you to have great knowledge or experience because you don't have any experience. Even knowledge, you have a bookish knowledge. So expectations are not very high. If expectations are not very high, then what are expectations? That I will tell you now. Expectations to hai, but kya hai? Wo important hai, main aapko abhi bataunga. Okay? Or last but not least, being youth, you can use your enthusiasm to impress the interviewer. Hamesha yaad rakhiye, मैं बार बार बोलता हूं, अगर कोई भी फ्रेशर अपने आप को बहुत मैच्योर शो करने की कोशिश करता है, इट गोज अगेंस्ट यू. डिड आई नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू बी वेरी मैच्योर्ड? मैच्योरिटी मीन्स यू आर ट्राइंग टू शो एज इफ यू हैव अ ग्रेट बैकग्राउंड, यू हैव अ ग्रेट नॉलेज, यू हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस. क्योंकि वो जब ग्रेट एक्सपीरियंस, नॉलेज और बैकग्राउंड की बात करते हैं, वो झूठा है सब. वो दिस इज योर ओन वे ऑफ थिंकिंग. आपको कोई नॉलेज नहीं है.
आपको सिर्फ किताब की नॉलेज है, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता है। अगर मेरे को नहीं पता है तो मुझे बिहेव भी वैसे ही करना है ना। आप एक छोटे बच्चे से बात करते हैं और एक छोटा बच्चा बड़े लोगों की तरह से बात करे तो आप भी पसंद नहीं करोगे। इसीलिए मैंने ये देखा है कि बहुत सारे इंटरव्यू में कोई भी बंदा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं दिस गाय इज ट्राइंग टू एक्ट डैम स्मार्ट, इंटरव्यूअर ये बोलता है आपस में, दिस गाय इज ट्राइंग टू एक्ट डैम स्मार्ट, और जहां उसके दिमाग में लग गया कि दिस गाय इज ट्राइंग टू एक्ट डैम स्मार्ट, बाहर। बहुत प्लेन एंड सिंपल है। कभी भी आप एज ए यूथ अपने एंथुसियाज्म को दिखाना है। हमारा जो एंथुसियाज्म मींस जो हमारे अंदर उत्साह है, उत्साह को दिखाना है। उत्साह दिखाने का मतलब ये नहीं कि वो स्टार्टेड जंपिंग ओवर देयर। उत्साह दिखाने का मतलब कीननेस, इंक्यूजिटिवनेस, कि यस सर मेरे को कुछ करने की चाहत, वो प्रूव करना है। मैं भी आगे बताऊंगा कि उनकी साइकोलॉजी क्या होती है। बट डोंट ट्राई टू एक्ट वेरी स्मार्ट, बिकॉज दे आर मच स्मार्टर देन यू। दे कैन कैच यू इन अ जिफी, दे कैन कैच यू इन अ मोमेंट। हाँ ये बंदा जो है इज ट्राइंग टू ब्लफ मी। सो इसलिए वी हैव टू बी नेचुरल। दीज आर दी सिक्स पॉइंट्स आई वॉन्टेड टू टेल यू दैट दिस आर द एडवांटेज ऑफ बींग ए फ्रेशर। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अब आप कहते हो मुझको कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमको बहुत एंग्जाइटी होती है। मेरे को पता है, और आज आप लोग अभी क्वेश्चन जरूर लिखिएगा अपने पास में, क्योंकि इंटरव्यू के इसके बाद में मैं उस सेशन को लूंगा कि एंग्जाइटी में आप लोगों को क्या क्या होता है, कैसे हैंडल करना है। मैं आपको कुछ सिनारियो बताता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका पाम गीला हो जाता है, ये पाम जो है ये गीला हो जाता है। एक तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उसको हम बोलते हैं वेट पाम पर्सन, क्योंकि वो नॉर्मली उन उनसे अगर आप हाथ मिलाएंगे तो उनका, आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे उनका हाथ गीला रहता है, नंबर वन। बहुत सारे लोगों को पसीना आने लगता है, मैंने ये भी देखा है जब भी इंटरव्यू में जाते हैं तो इतनी एंग्जाइटी होती है, पसीना आने लगता है। तीसरी चीज, जब आप इंटरव्यू के सामने बैठते हो तो एकदम ब्लैंक हो जाता है, मतलब आपको आता भी है लेकिन हम इतने डरे हुए होते हैं, एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। दैट इज व्हाई आई टॉट यू बॉडी लैंग्वेज स्टडी। हमेशा याद रखिए, जब आपकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग रहेगी ना, आप किसी को भी एम्पावर कर सकते हो, इंटरव्यूअर को भी एम्पावर कर सकते हो। इसलिए मैंने जो आपको टिप बताई है वो टिप इतनी पावरफुल है कि उससे आप किसी को भी कंट्रोल कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ बिफोर गोइंग टू दिस। मेरी जो लास्ट कंपनी थी कॉर्पोरेट में, जिसमें मैं कंट्री हेड था, अमेरिकन कंपनी पोलारिस, जिसे वर्ल्ड नंबर वन कंपनी इन ऑटोमोबाइल इनटू ऑफ रोड व्हीकल्स। मैकेनिकल इंजीनियर समझ रहे होंगे, ऑफ रोड व्हीकल्स वो होती है जो रोड पर नहीं चलती है, जंगल में जा सकती है, एंटी इंसर्जेंसी, एंटी नक्सल ऑपरेशंस में काम आती है, टेररिस्ट लड़ने में काम आती है। उस कंपनी का मैं कंट्री हेड था, और मेरा इंटरव्यू, पांच इंटरव्यू हुआ था, जिसमें दो इंटरव्यू अमेरिका के साथ मेरा ऑनलाइन हुआ था थ्रू वीडियो, दो इंटरव्यू इंडिया में हुए थे जो इंडियन बॉस ने किया था, और जो लास्ट इंटरव्यू हुआ था वो अमेरिका से एचआर की हेड फ्लाई करके आई थी मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। आपको मैं बताता हूं, उस इंटरव्यू में पूरे समय में 2 घंटे का या 3 घंटे का इंटरव्यू था, उन्होंने सिर्फ मेरी बॉडी लैंग्वेज को जज किया, मेरे एटीट्यूड को जज किया था। दे डिड नॉट चेक एनीथिंग, मैं कैसे हैंडल करूंगा। और आपको एक और बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, शायद आपको पता होगा या नहीं पता होगा, जब आप किसी कंपनी के सीईओ को का इंटरव्यू करते हैं तो पता है व्हाट इज द कॉमन क्वेश्चन? नाउ कॉमन क्वेश्चन इज, आपके जिंदगी का सबसे बड़ा फेल्यूअर क्या था और आपने उसको कैसे हैंडल किया। आप सोच सकते हैं क्या क्वेश्चन है। 99% सीईओज हैव बीन इंटरव्यूड विद दिस क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको एक और बड़ी अच्छी बात बताता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए वो आपको 1 से 2 घंटे देते हैं। आप बोलिए क्या हुआ था आपके साथ, आप बताएंगे। जब मैंने मेरे जब 15 इयर्स या सॉरी 15 इयर्स की जॉब एक्सपीरियंस के बाद में इस कंपनी में मैं ऐसा फेल कर गया, हमारा सेल डाउन हो गया, प्रोडक्शन ये हो गया, एंड देन मैंने उसको कैसे हैंडल किया, मेरा अप्रोच क्या था, क्या मैं टूट गया, डिड आई ब्रेक इन द सिचुएशन, और मैंने अपने को हिम्मत करके उसको हैंडल किया। अगर हैंडल करा तो स्ट्रैटेजी क्या थी। दे विल गिव यू 1 आवर टू 2 आवर्स टाइम टू टॉक अबाउट, टॉक, दैट इज वॉट आई एम टेलिंग यू। इंटरव्यू हैंडल करने के बहुत सारे तरीके, मैं आपको कई सारे एग्जाम्पल दूंगा। तो कभी भी मन में एंग्जाइटी नहीं रखना है। अगर आप में अंदर बोलने की ताकत है, बोलिए,
बात करने की ताकत है विद ए बाउंड्री, वो मैं बाउंड्री बताऊंगा वो बाउंड्री क्या है, आप किसी को भी इंप्रेस कर सकते हो इफ यू नो बॉडी लैंग्वेज, इफ यू नो बेसिक इंग्लिश, इफ यू नो वॉइस मॉड्यूलेशन विच आई टॉट यू यस्टरडे. जस्ट अप्लाई एवरी बिट ऑफ एवरीथिंग, जस्ट अप्लाई ईच बिट ऑफ एवरीथिंग व्हाट एवर आई हैव टॉट, स्पीक यू विल बी इन. आप कोई भी इंटरव्यू ऐसा नहीं है जो आप क्रैक नहीं कर सकते. तो एंग्जाइटी किस बात की, अभी एक और एंग्जाइटी होती है मैं आपको बताता हूं. वन ऑफ माय मेरे एक दोस्त का बेटा अभी कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू सिलेक्ट नहीं हो पाया. उसके फादर इंडियन रेलवे के क्लास वन ऑफिसर है, जो मेरा फ्रेंड है, इज आईआईटीएन. वो डिप्रेशन में चला गया 2-3 दिन के लिए, एंड मेरे को मुझको फोन आया कि ये डिप्रेशन में चला गया. मैंने उसको कॉल किया, उसको मोटिवेट करके मैं वापस लेके आया, देन मैंने ये सब चीज सिखाई जो मैंने आपको सिखाया है. यू नो व्हाट, दिमाग में क्यों डिप्रेशन में चला गया, बिकॉज के दिमाग में ये था कि अगर मेरा सिलेक्शन तो हुआ नहीं अब क्या होगा, अरे यहां नहीं सिलेक्शन होगा तो कहीं और होगा, कहीं और नहीं होगा तो कहीं और होगा, और कहीं नहीं होगा तो मैं खुद कुछ कर सकता हूं. कैंपस इंटरव्यू में नहीं होगा तो ऑफ कैंपस इंटरव्यू में होगा, ऑफ कैंपस इंटरव्यू में नहीं होगा तो अगले साल होगा, कुछ तो होगा. क्या होगा, वर्स्ट क्या होगा, जॉब नहीं मिलेगी ना, मैं खोजूंगा, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा. That is how you have to tune your mind. जब मैं किर्लोस्कर में जॉब करने गया था फर्स्ट कंपनी में, मैं अपनी सक्सेस स्टोरी बताऊंगा, मैं दिन भर वर्क करता था सुबह के 8 बजे से लेकर के रात के 9:30 बजे, और रात के 9:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक मैं ट्यूशन पढ़ाता था. उसके बाद रात में 10:30 बजे 2.5 किलोमीटर वॉक करके मैं खाना खाने आता था, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे. आई यूज टू गो वॉकिंग रात में 10:30 बजे खाना खा, लौटते लौटते 11:30 बजाते थे, और सुबह में मुझे 7 बजे फिर निकलना पड़ता. That is how you have to work. Life is not easy. Let me tell you, life is never easy. आप कर मेरी कहानी सुनेंगे, मैं किसी और फोरम में बताऊंगा. The life I have gone through, very tough life. I did not even have a money to buy books in engineering college. मैंने लाइब्रेरी में बैठ करके नोट्स बनाए हैं, एंड मैकेनिकल इंजीनियर जानते होंगे एक सब्जेक्ट है हीट ट्रांसफर. I topped in heat transfer and I did not have heat transfer book. How I topped that in subject? मैं लाइब्रेरी में बैठता था, किताबें पढ़ता था. क्यों, अगर आपके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी आ जाए ना, और दिमाग में यह आ जाए कि ऐसा नहीं हुआ तो दुनिया नहीं पलट जाएगी. आज तक मेरे को यह समझ भी नहीं आया दैट व्हाई पीपल कमिट सुसाइड, बिकॉज आप उस चीजों को अपने दिल पे ले लेते हो. सिमिलरली इंटरव्यू भी वैसा ही है, कोई कुछ पहाड़ नहीं टूट जाएगा. सो सबसे इस टॉपिक पे मैं इसलिए इतना बोलना चाहता हूं बिकॉज सारे के सारे कॉलेजेस में मैक्सिम आज तक जितने मेरे 10 साल में मेरे जितने भी लेक्चर्स दिए हैं, सबसे पहले यही सवाल आता है, सर मेरी एंजाइटी इतनी होती है, सर मेरे को ये हो जाता है. मैं BIT मिश्रा में मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा था. मॉक इंटरव्यू में एक लड़के के गले से आवाज निकलनी बंद हो गई. मैं डर गया उसको देख के, मैंने कहा इतना डर क्यों रहा है ये, जबकि मैं ले रहा था मॉक इंटरव्यू. ही वॉज ए MTech स्टूडेंट, उसको पानी पिलाना पड़ा. एक लड़का आया था, उसका हाथ पे ऐसे से कांपने लग गया. ऐसे क्यों डरना, he is also human being, I am also human being. और नॉर्मल जॉब इंटरव्यू में भी वो ह्यूमन है ना. क्या होगा, जॉब नहीं मिलेगी तो. और आपको एक बात याद रखना होगा, अगर आपके एक बैच में 300 बच्चे हैं, 300 बच्चों में अगर सपोज लेटस से मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, महिंद्रा एंड महिंद्रा आती है, महिंद्रा एंड महिंद्रा आपके कंपनी आपके आपके कॉलेज से सिलेक्ट करेगी, कितने बच्चे सिलेक्ट करेगी, 5 करेगी, 10 करेगी, बहुत कर लेगी, 15 कर लेगी, 20 कर लेगी, उससे ज्यादा तो नहीं करेगी ना. और 300 में से अगर आप में से मिलेटस से 100 बच्चों को इंटरव्यू के लिए भेजा जाता है, अब तब भी आप देखते 100 में से व्हाट इज द परसेंटेज, मैक्सिमम 15-20% ही ले जाएगा वो, चाहे आप कितने अच्छे हो. इसका मतलब ये नहीं हुआ कि रिमेनिंग 80% बच्चों में दम नहीं है. दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू. आज तक मेरे को मेरी जिंदगी में किसी ने गाइड नहीं करा, मैं जो कुछ भी हूं विदाउट एनी गॉड फादर मैंने करा है. सिर्फ एक चीज ध्यान रखी थी, डरा नहीं. इसलिए आपको ये एंग्जाइटी वर्ड को बहुत अच्छे से हैंडल करना, मैं इसको बार बार बोलता हूं, इससे घबराना नहीं है. आप बहुत अच्छे हो, आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं, अच्छे घर से आए हैं, पढ़ने में अच्छे थे तभी आज आप यहां पढ़ रहे हैं, आगे भी आप अच्छा करोगे. दैट इज द माइंड सेट यू हैव टू गो विद. सो जो टिप्स मैं आपको देता हूं एंग्जाइटी हैंडल करने का, फर्स्ट थिंग इज दैट बी केयरफुल व्हाट यू ईट एंड ड्रिंक बिफोर इंटरव्यू. आप कहोगे ये क्या चीज है, Yes, it's very important. Be careful what you eat and drink before interview. आप लोग अगर इंटरव्यू देने जाते हो, आपने भरपेट खाना खा लिया, लस्सी पी ली, उसके बाद में
चले गए आप इंटरव्यू देने, मैं आपको बताता हूं आपकी एंग्जाइटी ज्यादा रहेगी, अपने को लाइट करके जाना है, टू गो लाइट व्हेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू, डू नॉट स्लीप लेट एट नाइट, और सुबह जल्दी जल्दी उठ करके आप इंटरव्यू देने जाओगे दोबारा प्रॉब्लम होगी, एंड दैट्स अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम, एंड आई विल गिव यू मोर एग्जांपल्स नाउ, ये सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि एंग्जायटी हैंडल करने के लिए बिल्कुल लाइट खाना खाना है, सुबह में टाइम पे उठ के जाना है, सो दैट इंटरव्यू आप फ्रेश माइंड से जाएंगे। प्रैक्टिस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये मैंने आपको कल भी बोला था आज ही बोल रहा हूं, जस्ट डू प्राणायामा। प्राणायामा कोई रिलीजियस चीज नहीं है, प्राणायामा इज अ साइंटिफिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज, पूरी दुनिया के लोग प्राणायामा करते हैं, जस्ट प्राणायामा के प्रैक्टिस करिए, सांस लेना है, रोकना है, छोड़ना है, प्राणायामा इसलिए करना है कि अगर आप प्राणायामा करोगे तो आप जब वहां जाएंगे ना, बिलीव में आप नर्वस नहीं होंगे। क्यों नर्वस नहीं होंगे? प्राणायामा करने से आप ज्यादा ऑक्सीजन रिटेन कर रहे हैं, आप मेरी बात मान के चलिए, आप सुबह से शाम तक पानी मत पीजिए, या आप एक बंद कमरे में रहिए, शाम तक आपको ऐसा लगेगा कि आई एम हैविंग नेगेटिविटी इन माई माइंड, अगर दिमाग में नेगेटिविटी बढ़ती गई तो एंजाइटी बढ़ेगी बढ़ेगी, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से योर लंग्स और योर व्हाट यू कॉल इट, आपके जो फेफड़े हैं उनके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होनी चाहिए, ऑक्सीजन कब ज्यादा जाएगी? जब आप उसको रिटेन रखेंगे, रिटेन कैसे करेंगे? ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के थ्रू करेंगे, तो इसलिए सांस लेनी है छोड़नी है, लेनी है छोड़नी है, बस ये प्रैक्टिस करिए सुबह में 15 मिनट, शाम को 15 मिनट, आपके अंदर हमेशा पॉजिटिविटी रहेगी। डू दिस, आई हैव बीन डूइंग दिस बिकॉज आई कीप गिविंग, कीप टॉकिंग आवर्स टुगेदर, कीप गिविंग लेक्चर्स, इतनी एनर्जी तभी आती है अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तभी। इट्स नॉट दैट कि यार हम तो यंग है, अभी हम तो 25 22 23 साल के हैं, आई कैन गो एंड क्रैक, ऐसा नहीं है, राइट? प्रैक्टिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज। थर्ड थिंग इज राइट डाउन योर स्पिनिंग थॉट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट डाउन योर स्पिनिंग थॉट। व्हाट इज स्पिनिंग थॉट्स? स्पिनिंग थॉट इज नथिंग बट आपके दिमाग में जो घूम रहा है, आपके दिमाग में जो घूम रहा है, ये बहुत अच्छी चीज मैं आपको बता रहा हूं, आप एक दिन पहले रात को एक पेपर लीजिए, आपके दिमाग में खूब सारे क्वेश्चन घूम रहे हैं, अगर ये पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, ये पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा। अब क्या होता है, क्योंकि हम उसको लिखते नहीं है, उसी थॉट के साथ हम वहां पहुंचते हैं, इंटरव्यू सेंटर पे, इंटरव्यू वेन्यू पे, और जब उस थॉट से हम इंटरव्यू देते हैं तो हमारे दिमाग में पहले से ही इतने अप्रेंशन है कि हम आंसर सही दे नहीं पाते और एंग्जाइटी बढ़ जाती है। तो उसका रास्ता यह है, एक दिन पहले पूरे स्पिनिंग थॉट से दिमाग में आपके थॉट आ रहे हैं उनको लिख लीजिए और उसके आगे आंसर लिखिए। अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछेगा तो उसका मैं ये आंसर दूंगा, ये क्वेश्चन पूछेगा तो उसका मैं ये आंसर दूंगा, उसको आप करेक्ट कर सकते हैं पहले से। इफ यू हैव ऑलरेडी डन दिस एक्सरसाइज व्हेन यू गो फॉर द इंटरव्यू, ये आपके दिमाग से निकल जाएगा बिकॉज यू हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड, बेसिकली इट्स लाइक एन एग्जाम, आप लास्ट मोमेंट पे रिविजन करते हैं ना, ये भी एक रिविजन ही है, जस्ट पुट इट डाउन ए पीस ऑफ पेपर एंड नेक्स्ट डे यू गो, एंग्जाइटी विल बी मच लेस। क्वेश्चन योर थॉट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन योर थॉट्स, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बात मैंने सबसे पहले शुरुआत में ही बोल दी थी, मैं उसको यहां लिख रहा हूं, क्वेश्चन योर थॉट, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर मेरे को पटना नहीं मिला और बॉम्बे पोजिशन मिल रही है तो मैं क्या करूंगा? क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब अपने आपके अपने ही थॉट को काउंटर करने की कोशिश करिए, ठीक है? क्वेश्चन योर थॉट, ओके ऐसा होगा तो क्या होगा, मेरे दिमाग में ये आ रहा है, उस क्वेश्चन को करके देन ट्राई टू फाइंड द आंसर, डू इट। ये सारी एक्सरसाइजेस आपको एक दिन पहले करना है, मैं फिर से बोल रहा हूं, सारी एक्सरसाइजेस आपको एक दिन पहले करना है, राइट? अपने थॉट्स को लिखना है, अपने स्पिनिंग थॉट्स को लिखना है, आंसर लिखने है, अपने ही थॉट को क्वेश्चन करना है, मेरे दिमाग में ये आ रहा है, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन करना है, डू दिस एक्सरसाइज। गेट आउटसाइड ऑफ योर सेल्फ, यस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं हमारा दिमाग कैसे घूम रहा होता है, पहली बात तो हम लोग लास्ट डे जिस दिन इंटरव्यू होता है ना, उसी दिन हम टाई लेते हैं, उसी दिन सुबह में हम शूज खरीदते हैं एक दिन पहले, उसी दिन हम पहली बार पैंट शर्ट पहनते हैं, उसी दिन हम पहली बार देखते हैं कि यार मैं कैसा लग रहा हूँ शूज में और शर्ट में ट्राउजर, बिकॉज हमारी आदत पड़ी होती है जीन्स टी शर्ट और चप्पल पहन के जाने की। आई एम सॉरी बट दैट्स द फैक्ट, दैट्स द फैक्ट। मैं एक लेक्चर के लिए व्हाट इज द नेम ऑफ आईआईटी पटना, बीटा, आईआईटी बीटा गया था, और वहां पे वहां के जो टीपीओ सर थे उन्होंने मुझे बोली, कोल इंडिया लिमिटेड आईआईटी बीटा में आया था और एक लड़का आईआईटी बीटा में बिस्तर से सो के उठा,
और बिस्तर से सो के उठ करके सीधा पहुंच गया इंटरव्यू देने के लिए चप्पल में। तो उनकी टीपो ने बोला व्हाट आर यू डूइंग, सर आई जस्ट गॉट अप आई डिड नॉट गेट टाइम टू गेट फ्रेशन अप। ही सेड व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग। और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये मेरे लिए भी एक आश्चर्य की बात थी, उन टीपीओ ने अपने शूज दिए उसको, बोले आईआईटी का नाम रखना। आप समझ सकते हो कि अगर कोई कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड किसी को 9 लाख का पैकेज दे रही है, मुझे आज भी याद है उस जॉब में उनको 9 लाख का पैकेज था, और आप आपको पता ही नहीं है आपको क्या पहन के जाना है, कैसे जाना है, लास्ट मोमेंट पे आप भागे हुए आ रहे हो, सर मुझे इंटरव्यू है, कहाँ इंटरव्यू है, कौन सा रूम है, तो आपके अंदर एंग्जाइटी रहेगी ना। दैट्स व्हाई आई टेल यू, यू हैव टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। इंटरव्यू जाने से 5 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले आपको पता होना चाहिए उस दिन मैं कौन सी शर्ट पहनूंगा। मैं आपको अपने बारे में बताता हूं, मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं, मैं इसे लर्निंग फॉर यू, मेरे को आज से लेकर के 5वें दिन तक किस रंग की टाई पहननी है, किस रंग का शर्ट पहनना है, इज ऑलरेडी फिक्स्ड इन माई माइंड, ऑलरेडी फिक्स्ड, डिसाइडेड। आई डोंट हैव टू थिंक। सिमिलरली यू शुड नो मुझे क्या पहन के जाना है। अब होता क्या है कि हम इंटरव्यू में जाते हैं, हम लोग 2 बार वॉशरूम जाएंगे, पहले शीशे में देखेंगे अपने को, मिरर में ठीक लग रहा हूं कि मैं नहीं लग रहा हूं, सबसे पहली बात। 5 बार हम फाइल को खोल के देखेंगे, बिकॉज वी आर ओनली थिंकिंग अबाउट आवर सेल्फ, इतना टेंस होते हैं हम लोग, वो नहीं करना है। दैट इज वाई एंग्जाइटी हैपेंस। यू हैव टू कम आउट ऑफ योर सेल्फ, मैं कैसा लग रहा हूं, मेरी शर्ट ठीक है, मैं ठीक से चल पा रहा हूं, मेरे बाल ठीक है। एक बार आप अपने को वॉशरूम जाके फ्रेशन अप होकर के आ गए, तब आपको क्या करना है, सिट इन द रिसेप्शन, टॉक टू रिसेप्शनिस्ट, मैडम मैडम हाउ इज दिस कंपनी, हाउ डज दिस कंपनी, क्या क्या कंपनी के बारे में तैयारी करनी है मैं आपको कल बताऊंगा। ओके, आप इससे पूछ सकते हैं कि नया प्रोजेक्ट मैंने देखा था कैसा चल रहा है। यू टॉक टू अ लेडी जो सिटिंग ओवर देयर, और यू टॉक टू समबडी सम स्टाफ, इन्वॉल्व योर सेल्फ इन अदर थिंग्स, नॉट जस्ट, डोंट ओनली थिंक अबाउट यू, कैसे जवाब दूंगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, उससे अलग हटना है। दैट्स आई एम टेलिंग यू, दिस इज एक्सैक्टली व्हाट हैपेंस इन इंटरव्यू, और हम एंग्जाइटी हमारे अंदर क्रिएट होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। आप देखेंगे इंटरव्यू के अंदर लास्ट मोमेंट पे आप ना ऐसे कर रहे होते हैं जैसे आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, नहीं करना है ऐसा। सो यू हैव टू गेट आउट ऑफ यूर सेल्फ एंड यू हैव टू लुक एट द सराउंडिंग, व्हाट इज देयर। मिशन विद इन स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ओके लेट मी रीड मिशन विद इन स्टेटमेंट। अगर आपको जहां पर इंटरव्यू हो रहा है उसके उधर में आपको प्लांट दिख रहा है, आप दूर खड़े होकर प्लांट देख सकते हो, मशीनरी देख सकते हो, लोग कैसे काम कर रहे हैं वो देख सकते हो। देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन सी देयर गार्डन, बट यू हैव टू गेट आउट ऑफ यूर सेल्फ। Tell yourself you have already won. Yes, that's something which interview में जाने से दिमाग में ये बना के लाना, मैं crack करके आऊंगा, मैंने interview crack कर दिया है, have already won. I am not in a process of winning. I am not in a process of getting the job. I have already got this job. Go with this mindset. आपको मालूम है, मैं आपको मेरा जो motivational workshop होता है, शायद मैं सर से बात करूंगा और मैं आपको motivation का workshop दूंगा, और मैं बताऊंगा कि कैसे हैंडल करना, और मैं अपनी लाइफ की सक्सेस स्टोरी बताऊंगा। सचिन तेंदुलकर ने जब भी मैक्सिमम सेंचुरी मारी है, उसका इंटरव्यू लिया गया था, उससे पूछा गया था कि आप ये सेंचुरी कैसे लगा लेते हो, कहता है कि जब मैं क्रीज पे आता हूं उससे पहले मैं ये सोच के आता हूं कि आज मैं सेंचुरी लगा चुका हूं, इस टेस्ट में मेरी सेंचुरी लग चुकी है, एंड दैट्स द रीजन मोस्ट ऑफ द टाइम ही वाज एबल टू हिट सेंचुरी। वो बात अलग है कि कई बार वो 99 पे आके अटक गया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। दैट वाज अगेन ही कलेक्टेड हिमसेल्फ, बिकॉज एक नर्वसनेस आ गई थी 99 पे आके, क्योंकि अगर हमारे साथ में एक बार एक गलती हो जाती है, दैट डज नॉट मीन वो गलती बार बार होगी। चांस हो सकता है कि मैं 2 बार 99 पे आउट हो जाऊं, दैट डज नॉट मीन कि मैं थर्ड टाइम भी 99 पे आउट हो जाऊं। सो यू, दैट्स व्हाट सचिन सेड, आई ऑलरेडी मेक अप माय माइंड दैट आई हैव ऑलरेडी हिट टन, एंड मैं इस माइंडसेट से जाता हूं कि मेरा तो सेंचुरी बन चुकी है आज, और वो सेंचुरी मार लेता है। दैट्स हाउ यू हैव टू गो विद दैट माइंडसेट, यस आई हैव ऑलरेडी वन द इंटरव्यू एंड आई हैव गॉट द जॉब। ड्रेस अप वेल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ड्रेसअप एक ऐसी चीज है। अब आपसे अभी चूंकि ये ऑनलाइन सेशन है और मैं इस टॉपिक पे मैं काफी लोगों से बातें करता हूं, बट मैं ऑनलाइन में आई कैन डोंट वांट टू टॉक एंड इट्स नॉट पॉसिबल, बट आई विल जस्ट गिव यू सम एग्जांपल टू एक्सप्लेन इट टू यू। आपके घर में कोई आता है जिसको आप जानते नहीं, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले भागते हैं, बाल ठीक करते हैं, आपको ठीक, कोई आ रहा है, गेस्ट आ रहा है, क्यों करते हैं? ऐसा तो है नहीं कि अगर आप नहीं करेंगे
उसकी आप तो दो चीजें होती है उसके अंदर में। जब भी आप ड्रेसअप वेल करते हैं तो पहली चीज जो हमारे दिमाग में ये आती है कि लोग हमारे बारे में अच्छी इमेज रखेंगे, लोग मेरे बारे में अच्छी इमेज रखेंगे, दैट इज वन पार्ट। बट देयर इज अनदर पार्ट ऑफ इट विच इज मच मोर पावरफुल, विच इज मच मोर पावरफुल इज बिकॉज यू थिंक, यू स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ, यू स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ एंड दैट ब्रिंग्स इन कॉन्फिडेंस। अब मैं चाहता तो अभी टाई लगा के नहीं बैठ सकता था, आई कुड हैव गिवन यू माय लेक्चर्स इन अ नॉर्मल वे, बट इफ आई एम पुटिंग अ टाई एंड इन अ प्रॉपर अटायर आई हैव अ फीलिंग यस आई हैव अ कॉन्फिडेंस आई कैन टॉक टू यू। सो व्हेन यू आर ड्रेस अप वेल यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ। व्हाट डिड आई से, यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ। द मोमेंट यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू आर देयर एंड यू वुड क्रैक इट, दैट्स द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इट ब्रिंग्स अप। लड़के बोलते हैं सर हम अगर बेल्ट नहीं लगाए तो क्या होगा, अगर हम टाई नहीं पहने तो क्या होगा। आप उस बात को कभी नहीं सोचते कि आप दूसरों के लिए नहीं पहन रहे हो, आप खुद के कॉन्फिडेंस के लिए पहन रहे हैं। दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू सजेशन, जो भी अभी स्टूडेंट्स हैं आप आज से इस वक्त से एक प्रैक्टिस करिए कि हमको शूज पहन के रहना है, ट्राउजर पहन के रहना है। मेरे पास इस सेशन में टाइम नहीं है, मैं दूसरा सेशन लूंगा जिसमें मैं ड्रेसअप सेंस पे बात करूंगा, मैं वहां बताऊंगा कि आपकी बॉडी फ्रेम के हिसाब से आप किस रंग की शर्ट पहनेंगे, इस बॉडी फ्रेम के हिसाब से आप किस रंग का ट्राउजर पहनेंगे, किस रंग का बेल्ट पहनेंगे, किस कलर का टाई होना चाहिए, टाई का कलर क्या होना चाहिए, टाई के ऊपर डिजाइन क्या होना चाहिए, हेयर कट क्या होना चाहिए, आपके स्पेक्स का फ्रेम कैसा होगा, ब्लैक होगा, सिल्वर होगा, व्हाइट होगा, आपके सॉक्स किस कलर के होंगे। आई विल टेल यू ईच एंड एवरी माइन्यूट थिंग। आप कौन सा परफ्यूम यूज करेंगे, हाइजीन में क्या यूज करना है, वो पूरी चीजें एक अलग सब्जेक्ट है, विच आई एम नॉट कवरिंग अप। आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस है ड्रेस अप वेल का, बिकॉज इफ यू आर वेल ड्रेस इट ब्रिंग्स इन कॉन्फिडेंस इन यू। टेक सुपर हीरो पोस्चर। यस, आप इंटरव्यू देने जाते हैं, हम कैसे बैठते हैं, मैंने आपको कल बताया था, शायद मुझे याद नहीं है कि हाँ नहीं कल मैंने बताया नहीं था आपको, ऐसे बैठ जाते हैं इंटरव्यू में, ऐसे बैठ जाते हैं। दिस कॉल स्लाउचिंग, दिस इज कॉल स्लाउचिंग। हम कॉन्फिडेंट नहीं है, यू नीड टू सिट दिस वे, यू नीड टू ऑलवेज सिट स्ट्रेट। और जब आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहां तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप जब ऑनलाइन इंटरव्यू में यू हैव टू सिट स्ट्रेट एंड यू नीड टू लुक एट द कैमरा एंड टॉक टू द पर्सन विद कॉन्फिडेंस। वहां पे आपको प्रेजेंटेशन तो नहीं देना है ना, आपको सामने आपने कैमरा में बात करनी है। सिट स्ट्रेट, जैसे मैंने आपको बताया मेरा पोलारिस का इंटरव्यू हुआ था, दैट प्लेड अ रोल, आई वॉज सिटिंग स्ट्रेट। और मेरे सामने जो अमेरिका से लोग बात कर रहे थे, कभी एक क्वेश्चन पूछता था, कभी वो क्वेश्चन पूछता था, और देयर वाज ऑलवेज अ टाइम लैग। ये बात 2011 की है, उतना टाइम लैग होता था, उसकी बात आती थी, फिर मेरे को बोलना होता था, फिर वो सुनते थे, बट बॉडी लैंग्वेज दे कैन सी ऑल द टाइम। सो टेक अ सुपर हीरो पोस्टर। सुपर हीरो पोस्टर का मतलब ये नहीं है कि हाँ आप वहां बैठ के ऐसे करके बैठ गए टेबल के ऊपर ऐसे हाथ करके, नो आई डोंट मीन दैट। You have to make a your body language is to be that yes, I am in control of my position, I am in control of the whole thing. And I can tell you, being a fresher also, you can control any damn interview. You can control, forget them controlling you. You can ghumao them, you can ensure that wo aapse wahi puchhe jo aap chahte. That is what is it. This is the art. And I have been working on this years together, and it's a child's play now. That's what I'm saying. Take a superhero posture. Why anxiety new? Don't do last minute preparation. I have already told you. Don't do last minute preparation. सुबह उठे उसके बाद में वार्डरोब में गए, कौन सी शर्ट पहननी है, ये शर्ट ठीक है, वो शर्ट निकाली, आयरन नहीं है, आयरन करने गए तो लाइट नहीं है, तो आप परेशान हो जाओगे। Don't do that. Don't do last minute preparation. Everything has to be done in advance. Again, मैं आपको बताता हूं, आपको इंटरव्यू वेन्यू में पहुंचना है, उसको आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी, रिवर्स कैलकुलेशन करना है। मुझे अगर इंटरव्यू में 10 बजे पहुंचना है, उसके लिए मुझे 9 बजे पहुंचने का टारगेट लेना है, बिकॉज देयर मे बी ट्रैफिक ऑन द वे, यू मे मिस योर बस, देयर कुड बी एनीथिंग ऑन द वे विच कैन हैपन, विच कैन टेक यू, विच कैन डिले योर ट्रेवल टाइम एन आवर और सो टेक दैट फैक्टर ऑफ सेफ्टी।
10 बजे पहुंचने के लिए मुझे 9 बजे के हिसाब से तैयार होना है, 9 बजे के हिसाब से तैयार होने के लिए अगेन डू बैकवर्ड कैलकुलेशन, मुझे इतने बजे उठना होगा, उसके बाद इतने बजे ये करना है, इतने बजे उठने के लिए मुझे कल रात में इतने बजे सोना है, कल रात में इतने बजे सोने के लिए उससे इतने घंटे पहले मुझे अपने इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी, दैट इज हाउ यू हैव टू गो फॉर एन इंटरव्यू। ऐसा नहीं कि उठे और चले गए और फिर बोलते हैं यार हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, और इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरा सीजीपीए तो 6.5 था, उसका सीजीपीए 8 था, उसलिए हो गया। दिस कैन बी वन ऑफ द फैक्टर बट नॉट द फैक्टर दैट यू गेट रिजेक्टेड। You get rejected because of many reasons. I am telling you, 50% of the students get rejected in an interview because they reach venue late. भागते हुए आते हैं। सर, सॉरी, बस लेट हो गई, क्या करें? इंटरव्यूअर बोलता है, ओके फाइन, इफ यू कैंट बी पंक्चुअल हियर, यू कैनॉट बी पंक्चुअल इन द जॉब, आउट, काम खत्म। आप 8 CGPA लेके आइए या 6 CGPA लेके जाइए, you are gone just because you don't reach venue on time. और तो और इसके सबसे टॉप बड़ी बात क्या है, अगर किसी कारण से आप लेट हो गए, you don't even feel courtesy to call the person and say, madam or sir, I am on the way, sir, I am stuck up in the traffic, I might get late by half an hour or so, kindly excuse me. Then he will say, yeah, fine, no worries, come, we are waiting for you. People, they don't even have a courtesy. And in Bangalore, it is other way around. बैंगलोर में मैंने ऐसे ऐसे लोगों का इंटरव्यू लिया है जो आपको बताएंगे भी नहीं, फॉरगेट, क्या हुआ आप इंटरव्यू में आएंगे, वी आर वेटिंग फॉर यू, आई एम टॉकिंग अबाउट इंजीनियर्स, एंड मेनी टाइम्स दे से दैट सर या आई वाज सपोज्ड टू अटेंड द इंटरव्यू बट समहाउ आई गॉट बिजी विद समथिंग एल्स। कैन यू इमेजिन अ फ्रेशर टॉकिंग लाइक दिस, समहाउ आई गॉट बिजी विद समथिंग एल्स, देयर इज नो कॉल, नो इन्फॉर्मेशन, वो घर में सोया हुआ है बंदा, कोई फायदा नहीं। That's why I always mention interview के मामले में I always believe that North Indians are much more serious than South Indians because in Bangalore ये बहुत common example हो गया। I do not know why they feel like this. They may be good in something else, जब interview handling की बात आती है, they are not good. सोते जागते भी आते हैं। That's why I'm telling you, you have to reach interview venue on time and do the preparation in advance. Don't do last minute preparation. Avoid asking your previous candidate about the questions asked. समझ में आया मैंने क्या बोला? पुराने कैंडिडेट से ही नहीं पूछना, उन्होंने आपसे क्या पूछा, हमारी एक आदत होती है, what question did they ask you, did they talk to you about this language, did they talk to you about this, कुछ नहीं पूछना है, वो क्वेश्चन देकर के, जो आंसर देकर के बाहर आया उसको जाने दीजिए, क्योंकि अगर उसने आपको एक ऐसा क्वेश्चन बता दिया जो आपको नहीं पता है, आप नर्वस हो जाओगे, एंग्जाइटी आएगी। डोंट आस्क, जो पूछा तो पूछा, मुझसे जो पूछेगा मैं बताऊंगा, दैट इज हाउ यू हैव टू हैंडल इट। दैट दीज आर द 10 वेज आई वांटेड टू, आई टुक सो मच ऑफ टाइम अबाउट दिस बिकॉज दिस इज द कोर प्रॉब्लम आई फाइंड विद मोस्ट ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स बिफोर दे गेट लॉट ऑफ एंग्जाइटी। जस्ट गो ओवर दिस, ट्राई टू प्रैक्टिस दिस, नथिंग वुड हैपन, यू वुड श्योरली बी सक्सेसफुल। नाउ इंटरव्यूअर साइकोलॉजी, नाउ मैं आपको बताने वाला हूं कि इंटरव्यूअर्स की साइकोलॉजी क्या होती है फ्रेशर्स के लिए, और ये इंटरव्यूअर्स की जो साइकोलॉजी है फ्रेशर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या देखना चाहता है इंटरव्यूअर फ्रेशर्स के अंदर में, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, इंटरव्यूअर साइकोलॉजी फॉर फ्रेशर, दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक टू यू नाउ। अगर आप फ्रेशर हो तो मेरे दिमाग में आपने क्या देखना है, द फर्स्ट थिंग, डज कैंडिडेट हैव राइट एटीट्यूड, दैट्स ऑलवेज रिमेंबर, फॉर फ्रेशर आई वॉन्ट टू सी एटीट्यूड इन यू, नॉट नॉलेज, एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड क्या है, डू यू वॉन्ट टू से। एंड मैं अभी आपको इसके बाद, इस स्लाइड के बाद बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड दिखाने वाला हूं जहां पे मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप एटीट्यूड को कैसे प्रूफ करोगे, कुछ सेंटेंसेस बताऊंगा मैं आपको, इस सेंटेंस को बोल के आप एटीट्यूड प्रूफ करोगे, राइट? सो क्या मैं एटीट्यूड, मेरा एटीट्यूड काम करने का है, क्या मेरा एटीट्यूड ये प्रूफ करने का है कि मैं हार्ड वर्कर हूं, क्या मेरा एटीट्यूड इंटरव्यू में ये प्रूफ करने का है कि मैं कीन लर्नर हूं, क्या मेरा एटीट्यूड ये प्रूफ करने का है कि मैं फ्लेक्सिबल हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्या मेरे को एटीट्यूड ये प्रूफ करने का है कि मैं कोई भी चैलेंज ले सकता हूं, दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड, दिस इज व्हाट दे वांट टू सी इन यू, बट हाउ विल यू प्रोजेक्ट दैट यू हैव द राइट एटीट्यूड, दिस इज व्हाट आई विल टेल यू इन द कमिंग स्लाइड। सो attitude is one important factor which interviewer wants to see in you, okay? Second,
इज कैंडिडेट एडेप्टेबल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडेप्टेबल? किसी भी माहौल में, किसी भी सिनारियों में, व्हाट डू यू कॉल इट, सिचुएशन में आप अपने को एडेप्ट कर सके, अपने को ढाल सके, दैट्स कॉल्ड एडेप्टेबल. हमेशा याद रखिए. एंड दिस इज वन इंपॉर्टेंट फैक्टर दे कंसीडर यू. एंड आई जस्ट गिव यू एग्जांपल, सिविल इंजीनियर्स स्पेशली, आई एम टेलिंग यू, बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स के कैंडिडेट क्यों रिजेक्ट होते हैं? वो ये बोलते हैं, बॉस यू आर अ वेरी गुड गाई, we will select you and we are going to locate you at our project site. और हमारा project site जो है वो पटना में नहीं है, पटना से करीब करीब 100 किलोमीटर दूर आरा के पास एक गांव में है, वहां पे प्रोजेक्ट आ रहा है, आपको वहीं पे रहना पड़ेगा. और हम क्या बोलते हैं, सर वो गांव है क्या? हाँ गांव है. सो यू डोंट वॉन्ट दिस जॉब? नहीं नहीं, हम तो सिर्फ पूछ रहे थे. आपने ये पूछा और आप गए काम से, आपने ये सवाल पूछा और यू आर गॉन. दैट्स व्हाट एडेप्टेबिलिटी. आई वांट अ जॉब, आई एम गेटिंग अ बिग ब्रांड, सपोज कंपनी का नाम अंसल है और कंपनी का नाम एनी कंपनी यू टॉक अबाउट बिग कंस्ट्रक्शन कंपनी, और अगर वो कोई भी कंस्ट्रक्शन जो हाईवे कंस्ट्रक्शन में है या होम कंस्ट्रक्शन में है, वॉट एवर, अगर वो आपको प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट साइट इंजीनियर रख रही है और आप पटना रहते हैं, आप अप डाउन करिए, वहां पे मकान लेके रहिए, इट्स अप टू यू. यू कैन नॉट आस्क अ क्वेश्चन, सर वहां पे, अच्छा सर ठीक है वहां तो हम रह लेंगे, क्या आप हमको मकान देंगे? पीपल स्टार्ट आस्किंग दिस सिली क्वेश्चन. अच्छा सर क्या टाइमिंग रहेगा? सुबह में 8 बजे से शाम 5 बजे में खाली हो जाऊंगा? यू आर गॉन. सर ओवर टाइम मिलेगा? गॉन. Cannot ask these questions. सर ये जगह तो बहुत अच्छा है, सर खाने पीने का दिक्कत रहेगा? Gone. Cannot ask these questions. You have to show adaptability. Whatever the job is being given to me, whatever location is being given to me, whatever project you have been put, wherever you have to go, day, night, morning, evening. आप जब सॉफ्टवेयर में जाओगे तो एक चीज आती है हमेशा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से पूछी आती है, यू विल बी वर्किंग एज पर यूएस टाइमिंग. यूएस में तो रात हो रही होती है, यहां पे दिन हो रहा होता है. योर शिफ्ट स्टार्ट्स एट 11 o'clock, यू गो इन द मॉर्निंग एट 8 o'clock. आप कहेंगे सर हम तो रात में सोते हैं, हम तो नहीं जा सकते. यू आर गॉन. मैं एक ट्रेनिंग कर रहा हूँ, एक वर्ल्ड की नंबर एक कंपनी है जो कि उनके इंजीनियर्स को ट्रेन कर रहा हूँ. मेरी अगली ट्रेनिंग है अगले महीने में. कंपनी का नाम है चेक पॉइंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड. चेक पॉइंट इज वर्ल्ड लीडर इनटू फायरबॉल. फायरबॉल इज आपको पता है कंप्यूटर सिक्योरिटी का जो सॉफ्टवेयर है, चेक पॉइंट बनाती है. तेल अवीव में कंपनी है, इसराइल में. उसके कंपनी में मैं जिन इंजीनियर्स को ट्रेन कर रहा हूँ, यू नो, ईमेल राइटिंग एंड एथिक्स के ऊपर में और कस्टमर सेंट्रिसिटी के ऊपर में, वो सारे के सारे इंजीनियर्स किस शिफ्ट में जॉब होती है, जब मैं उनसे बातें करता हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा, उनको जिनका भी सिलेक्शन हुआ है सिर्फ इस पॉइंट पर कितने अडेप्टेबल है. वेरी हाई सैलरी, वेरी हाई सैलरी. फ्रेशर्स विद, आई मीन फ्रेशर और 1 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस बंदों को जिनकी स्टार्टिंग सैलरी है वो 60-70,000 रुपीज, नॉट अ बैड सैलरी. अगर आपको 7 लाख का पैकेज, 7.5 लाख का पैकेज उनका स्टैंडर्ड है. रात में आपको आना पड़ेगा, सुबह में 4 बजे का शिफ्ट होएगा. एंड दे कैन नॉट आस्क, सर आप हमारे लिए व्हीकिल का इंतजाम करेंगे? I'm not supposed to arrange vehicle for you. आप कैसे आएंगे, आप जानिए. So adaptability is very important. I'm just telling you क्या psychology होती है freshers के लिए. Can candidate be groomed? Very important. What is the meaning of can candidate be groomed? आप एक candidate हैं और मैं अभी again एक example लेता हूँ software engineers की. आपको मैं भेजना चाहता हूँ Germany, या आपको मैं भेजना चाहता हूँ US, और इंफोसिस आपको यूएस अपने क्लाइंट साइट पे 3 साल के लिए भेजता है, वो क्या देखेगा आपके अंदर में? ऑफ कोर्स आप कहोगे मेरा नॉलेज, फाइन. लेकिन अगर आप नॉलेज के अलावे, आपके अंदर बोलने की तरीका नहीं पता, आपको दूसरे के एक्सेंट आप समझ नहीं सकते, आपको एटिकेट मैनर्स नहीं पता है. रिमेंबर व्हेन यू आर गोइंग टू विजिट अ क्लाइंट, यू आर द फेस ऑफ द कंपनी, यू आर द फेस ऑफ द कंपनी एंड यू कैरी द इमेज. यू आर नॉट राकेश और संजय और विनोद और एनीबडी एल्स, यू आर
Infosys. You are Wipro. You are Putney Computer. You are Tata Motor. You are the company. What they want to see in you? They want to see in you, हाँ इस बंदे को मैं ऐसा करता हूँ, ये बंदा बहुत स्मार्ट है, बोलता अच्छा है, इसको थोड़ा फाइन ट्यून करना है. दैट फाइन ट्यून वर्डिंग इज ग्रूमिंग. अगर आपने अपने को ये प्रूफ कर दिया, सर नो वरीज, आप मेरे को थोड़ा सा इसके बारे में मुझे ग्रूम करिए, मैं इसको पिक कर लूंगा और मैं जाऊंगा, मैं आपको, मुझे सिर्फ नाइफ एंड फॉक से खाना खाने का तरीका सीखना है, मैं सीखूंगा. आपने इंक्विजिटिवनेस दिखाई. मेरे को एक्सेंट सीखना है फॉरेन का, आई कैन लर्न दैट. क्या मैं लोगों से बात कर सकता हूं, क्योंकि मैं उस कंपनी में मैं अकेला, क्योंकि मेरी जो पोस्टिंग होगी इन्फोसिस के यूएस में, जो क्लाइंट है उसके ऑफिस में होगी, नॉट इन्फोसिस के ऑफिस में होगी. तो मैं उसके क्लाइंट के ऑफिस में हर रोज जा रहा हूंगा. मेरी कंपनी का इमेज आपके ऊपर डिपेंड करता है, जब वहां के कैसे बात करेंगे. सो यू हैव टू रिमेंबर, कंपनी देखती है कि वेदर मैं इसको ग्रूम कर सकते हैं कि नहीं, इसको हम फाइन ट्यून कर सकते हैं कि नहीं. द मोमेंट यू प्रूव दैट यस आई कैन बी ग्रूम, दे विल टेक यू इन. नेक्स्ट इज कैंडिडेट रिलायबल. रिलायबिलिटी इज वेरी, कल मैंने रिलायबल वर्ड का मतलब बताया था, आप पे कितना विश्वास करना है. रिलायबिलिटी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आप बिजनेस ओनर हैं, या आप किसी कंपनी के मैनेजर हैं, और यू आर इन एचआर डिपार्टमेंट, और फॉरगेट एनीबडी एल्स, आपके घर में भी आप किसी को हायर करते हो एज ए मेड, आप पहली चीज क्या देखते हो? रिलायबिलिटी. क्या करते हैं आप? पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं. घर में एक मेड जो खाना बनाने आती है, जिसको आप 3,000 से 5,000 रुपए देते हैं, जो घर में सफाई करने आती है, आप उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं, आप उसके क्रेडेंशियल्स चेक करते हैं, आप देखते हैं कि वो रिलायबल है या नहीं. तो क्या अगर मैं आपको 50,000 से 70,000 75,000 और मे बी 1,00,000 रुपीज की सैलरी दूंगा, तो क्या मैं आपके अंदर रिलायबिलिटी नहीं खोजूंगा? यस, आई विल लुक इनटू दिस. सो रिलायबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन आई से रिलायबिलिटी, देयर आर टू मोर फैक्टर्स आर अटैच. वन इज एथिक्स. आपके अंदर कितने एथिक्स हैं? आप पे कितना भरोसा किया जा सकता है? आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपको लॉगिन करना है सुबह 5 बजे आपका कंप्यूटर, तो क्या आप लॉगिन कर सकते हैं? बिकॉज योर क्लाइंट इन maybe in Japan starts at 5 o'clock in the morning and you have to log in as per Indian time at 5 o'clock. You cannot lift a phone to this, sir abhi to hum so rahe hain, abhi 7 baje uthenge to log in karenge. You are gone. So reliability is a very important factor. Jahan company aap pe bharosa kar sake in terms of finances, in terms of ethics, in terms of your moral, in terms of your character, in terms of everything, if they are able to rely on you, then they will take you. That's the psychology. And they check very well. 2 minute mein aapki psychology pakad lete hain ki kis panelist mein ek banda aisa baitha hota hai, wo sirf aapko read kar raha hota hai. They are so brainy people. I'm telling it to you. Remember this. Can he be a long-term employee? Very important. देखना चाहता है आज लेटेस्ट से. मैं आपको फिर से एग्जांपल देता हूं कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पैनासोनिक कंपनी आती है आपके कंपनी में, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, और आपको लेती है. पैनासोनिक आपको लेटेस्ट से 5 लाख पर एनम का इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स को जॉब देती है. सडनली क्या होता है कि आफ्टर 2 or 3 months सोनी आती है, और सोनी भी बहुत बड़ी कंपनी है, राइट, मे बी बिगर देन पैनासोनिक. आपको जॉब मिल गई है 5 लाख पर एनम की, और 3 महीने के बाद आपको सोनी से ऑफर आता है. अगर मैं आपसे पूछूं तो 99% आप बोलेंगे, यस सर क्यों नहीं, 7 लाख का पैकेज निकल जाएंगे हम तो भाई. बट रिमेंबर वन थिंग, जब आप, मैं आपको ये बताना चाहूंगा और अभी आगे ये बताऊंगा अभी जब मैं डिटेल में जाऊंगा, अगर मेरे को ये भनक पड़ गई आप लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय नहीं, और वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे इंटरव्यू में जिसमें आपका ये कैरेक्टर, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये सामने आ जाएगा, और इसका आप आंसर कैसे देंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा. अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछ रहा हूं कि ओके फाइन, आई एम सिलेक्टिंग यू, आई एम गोना ऑफर यू अ पैकेज ऑफ 3-5 lakhs पर एनम, एंड आफ्टर 3 months यू फाइंड सोनी इज ऑफरिंग यू 7 lakhs पर एनम पैकेज, व्हाट विल यू डू? आप क्या बोलेंगे? हाँ सर, हम तो 7 लाख के लिए चले जाएंगे. सर क्या है, पैसे ज्यादा मिल रहा है.
आप यहां से भी जाएंगे और वहां से भी जाएंगे, बिलीव मी. सो यू हैव इट डजेंट मीन, मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है. मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एज अ फ्रेशर आपको एक कंपनी में कितने साल रहना चाहिए, एज अ फ्रेशर आपको नेक्स्ट जंप कब लेना है, राइट. मेरा एक प्रोग्राम है, वो भी मैं सर से बात करूंगा, उसको बोलते हैं कैरियर प्लानिंग प्रोग्राम. वहां मैं ये सारी बातें बताता हूँ कि किस एज में आपको कब शिफ्ट करना है, किस एज में हमको एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, किस एज में मिडिल मैनेजमेंट पर जाना है, किस एज में जूनियर मैनेजमेंट में, किस एज में सीनियर मैनेजमेंट में, किस एज में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, वो सारी बातें बताता हूँ. बट एनी वे यू दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. जब वो आपसे ये सवाल पूछेगा आप उसका जवाब कैसे देंगे, और आपको ये प्रूव करना होगा सर आई एम ए लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय, मैं आपके साथ आपकी कंपनी के साथ ग्रो करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू सी दैट आई वर्क विद यू फॉर अ लॉन्ग टर्म बेसिस, दैट इज वॉट यू हैव टू स्पीक एंड दैट इज वॉट दे कंसिडर यू. लेकिन दे आर रेडी टू, दे कैन रियली रीड यू दैट यस ये बंदा सच में बोल रहा है कि जॉब लेने के लिए बोल रहा है. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आर यू ए की लर्नर, आर यू ए की लर्नर. मैं तो आज किसी एक लैंग्वेज पे काम करता हूँ. सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आज मैं मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, और कल मुझे उबंटू पे काम करना पड़ता है या लिनक्स पे काम करना पड़ता है या किसी और पे काम करना पड़ता है या मेरे को किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना पड़ता है, मैं बोलूंगा नहीं सर मैं तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही काम कर सकता हूँ, दूसरा मेरे बस का नहीं है. यू हैव टू लर्न as a fresher they expect you to learn, aur aap bolenge yes sir no problem I will work on this operating system, I may have to learn a bit, it's not a big deal for me, little bit of practice would make me perfect. You are trying to show you want to learn, you cannot say nahi sir ye to hamare bas ka hum nahi kar payenge, that will go out of your head, right. So I am now going to tell you before going for next part of the session. Are you finding it interesting? Can somebody tell me? Yes, sir. So you keep noting down questions because बहुत सारे questions आपके दिमाग में आएंगे. अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पैरामीटर है, इस पैरामीटर को प्रूफ करने के लिए आप कुछ सैंपल आंसर्स क्या होंगे वो मैं आपको बताता हूं. बहुत अच्छे आंसर्स हैं जिससे आप ये प्रूफ कर सकते हो एटीट्यूड, जिससे आप एडेप्टिबिलिटी प्रूफ कर सकते हो. इस सारी चीजें कैसे आंसर देंगे वो मैं आपको बता रहा हूं. ये चीजें आपको कोई नहीं सिखाएगा जो मैं आपको आज सिखा रहा हूं, किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में. हेलो कैन यू हियर मी? यस सर प्लीज कंटिन्यू. ओके सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट कि ये जो मैंने पैरामीटर्स बताए हैं, एटीट्यूड, एडेप्टेबिलिटी, ग्रूमिंग, रिलायबिलिटी, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय, कील लर्नर, इसको आप किस तरीके के जवाब दे करके, किस तरीके से इंप्रेस करके इस पॉइंट को प्रूव कर सकते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ. बहुत अच्छे आंसर्स हैं, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और ये आप वहां पे इसी तरीके से बोलिएगा. सो लेट मी टॉक अबाउट द फर्स्ट, डज कैंडिडेट हैव राइट एटीट्यूड, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सैंपल क्वेश्चन. पहले मैं आपको सैंपल क्वेश्चन दिखाऊंगा और उसका मैं आंसर बताऊंगा, क्योंकि अभी हमारा ऑनलाइन सेशन है, मैं आंसर खुद बताऊंगा, अदरवाइज नॉर्मल मैं आपसे आंसर पूछता, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है, तो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा उसके आंसर दिखाऊंगा. फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, योर बिजनेस टारगेट विल बी 10 times ऑफ योर एनुअल सीटीसी. सीटीसी इज कॉस्ट टू कंपनी, जिस सैलरी पे आपको ले रहे हैं पूरा कॉस्ट टू कंपनी को सीटीसी बोलते हैं, उसका 10 गुना आपका बिजनेस टारगेट होगा. हाउ विल यू अचीव इट, दैट इज नंबर वन. सेकेंड क्वेश्चन इज, वी डू नॉट हैव एनी डेटा ऑन द प्रोजेक्ट यू विल बी वर्किंग, राइट, हाउ विल यू मैनेज, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा. और वहां पे आपको एटीट्यूड दिखाना है तो आप कैसे आंसर देंगे. ये मैंने सैंपल क्वेश्चंस बनाए हैं और इसके आंसर चाहिए. योर बिजनेस टारगेट विल बी 10 times ऑफ योर एनुअल सीटीसी, हाउ विल यू अचीव इट, तो इसका आंसर आप देंगे पहले क्वेश्चन का आंसर. और आप मेरे को देखिएगा, आई विल ट्राई टू यूज माई बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, इमोशंस, एंड उस तरीके से आपको बोलना होगा. पहले मैं रीड सेंटेंस रीड करता हूं. पहला क्वेश्चन है, योर बिजनेस टारगेट विल 10 times ऑफ योर एनुअल सीटीसी, हाउ विल यू अचीव इट.
Sir, I am absolutely fine with the target. We'll work with the best of my ability and skills to achieve it. However, I have to come up with a proper strategy to tap big ticket size business. ये मैंने क्या लिखा है, मैं पहले इसका मतलब बताता हूँ. मेरा CTC से 10 गुना ज्यादा, सपोज मेरी CTC 10 लाख है, तो 1 करोड़ का बिजनेस मुझे देना है, राइट? दैट इज व्हाट इट मींस. अब मैं 1 करोड़ का बिजनेस कैसे लाऊंगा? अगर छोटे छोटे बिजनेस लाऊंगा तो 1 करोड़ नहीं हो पाएगा, मुझे किसी बड़े बिजनेस को टैप करना पड़ेगा, बिग टिकट साइज बोलते हैं, राइट? उसके लिए मुझे स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, ठीक है? और ये जो बिजनेस टारगेट आपने दिया है, आई एम ओके विद इट, और इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा. हिंदी में यह मतलब हुआ. अब इसको आपको इंग्लिश में बोलना है, कैसे बोलेंगे? Sir, I'm absolutely fine with the target. Look at my face. Absolutely. Voice modulation. I'm trying to stress on absolutely. I was blinking. No, you can see my... I'm absolutely fine with the business target. I'm absolutely fine with the high target. I will work with the rest of my ability and skill to achieve it. However, I will come up with proper strategy to tap big ticket size business. Proper... See, my hand gesture. I'm absolutely fine with the business target. And what will I do? I will work with my best of my ability and skills. And at the same time, I will try to come out with a strategy so that I'm able to generate big ticket size business so that to give you 10 times the target which you are going to give me. That's how you have to speak. So you have to start using voice modulation. Aapne attitude dikhaya ki you are okay. You are absolutely fine with the target. You will try to see that with your ability and skill, you achieve it. And at the same time, you're also trying to show that my attitude will be to think beyond hard work. My attitude will also be to find the right strategy to get big ticket size business. इस तीन सेंटेंस में आपने उसको सारे एटीट्यूड प्रूव कर दिए. आपने उसको ये भी दिखा दिया कि मेरे को टारगेट से कोई दिक्कत नहीं. आपने ये बताया कि आप पूरी मेहनत करेंगे. आपने ये भी एटीट्यूड दिखा दिया कि आप स्ट्रैटेजी दिमाग लगाएंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे और बिग टिकट साइज बिजनेस ला के देंगे. दैट इज हाउ यू हैव टू आंसर. सेकेंड पार्ट, we do not have any data on the project you will be working. हमारे पास कोई डेटा नहीं है आप इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे. आप कैसे मैनेज करेंगे? कोई भी प्रोजेक्ट डेटा के बिना नहीं हो सकता. अगर मैं कोई प्रोजेक्ट मेरे को आया है और मुझे लेटर से सेल्स का प्रोजेक्ट है और मेरे पास कोई डेटा नहीं है तो मैं किसके पास जाऊंगा? या डेटा स्कैटर्ड है, मैं क्या करूंगा? या डेटा मुझे मार्केट से फेच करना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा? यू नो, विदाउट डेटा यू कांट वर्क. So, इसका आंसर हम कैसे देंगे? नो इश्यूज सर. लुक एट मी. नो इश्यूज सर. कॉन्फिडेंस. लुक एट माई फेस. सी द रिंकल ऑन माई फोरहेड. नो इश्यूज सर. विल स्टार्ट विद स्क्रैच. लुक एट माई लिप्स. लुक एट माई लिप्स. विल स्टार्ट विद स्क्रैच. स्क्रैच मतलब जीरो से स्टार्ट करेंगे. आई विल वर्क क्लोजली विद माई टीम मेंबर्स टू गैदर द डेटा फर्स्ट. नो इश्यूज सर. विल स्टार्ट विद द स्क्रैच. मैंने क्या किया, उसको यह बताया कि मेरे को चिंता की बात नहीं, हम जीरो से स्टार्ट करेंगे. फिर मैंने एक पॉज दिया, फिर बोला आई विल वर्क क्लोजली विद माय टीम एंड वी वुड वर्क ऑन डेटा कलेक्शन फर्स्ट. दैट इज हाउ यू हैव टू स्पीक. कोई दिक्कत नहीं है, जीरो से स्टार्ट करेंगे. यू हैव टू स्पीक एश्योरेंस. एश्योरेंस, दैट्स कॉल्ड एटीट्यूड. दैट्स हाउ यू हैव टू आंसर, राइट? So this is, I've just given you some question, the answer, so that you answer in such a way कि आप अगले वाले को impress कर दो. Just imagine अगर यही answer मैं इधर बैठा हूँ, मैं आपको interview दे रहा हूँ, आप उधर बैठे हुए हो, मेरा interview ले रहे हो, आप मेरे बारे में क्या सोचोगे? हाँ यार, ये बंदा जो है मेहनत करेगा क्योंकि इसके अंदर में काम करने की इच्छा है. That is what they want to see. Second, adaptability. As I told you, adaptability is the second important psychology they look at. आप एडेप्टेबल हैं नहीं, इसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं और उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आंसर देना है ताकि आप एडेप्टेबिलिटी प्रूव कर सके. क्वेश्चन है, यू विल हैव टू वर्क इन रिमोट लोकेशंस, स्पेशली इन रूरल एरियाज, इज इट ओके विद यू? स्पेशली मतलब मैं ये जो सवाल है ये मैं मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है क्योंकि ज्यादातर रिमोट लोकेशन सिविल इंजीनियर्स को मिलते हैं, चाहे वो ब्रिज बन रहा हो या आपका हाउसिंग प्रोजेक्ट आ रहा है, फैक्ट्री बन रही है, कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है, हाईवे बन रहा है, सब रिमोट लोकेशंस में होंगे. आपसे पूछा जाता है कि आप रूरल एरिया में हैं तो आप, इज इट ओके विद यू? आप कैसे आंसर देंगे? सेकंड क्वेश्चन, यू विल बी वर्किंग इन शिफ्ट्स एज पर यूएस टाइमिंग, इज इट एक्सेप्टेबल टू यू? आप यूएस टाइमिंग के हिसाब से शिफ्ट में काम करेंगे, इज इट एक्सेप्टेबल टू यू? तो पहले का आंसर आप ऐसे देंगे. सर, लोकेशन इज नॉट ए कंस्टेंट विद मी.
In fact, it would be an honor for me to work on this coveted project. Coveted matlab prestigious project. As this is our company's dream project. And then when you speak this, don't speak like reading in English, you know, just normal English bolte hain, aise read kar diya. Sir, location is not a constraint with me. Aisa bolenge to lagega ye rat karke aaya hai. Sir, location is not a constraint with me. Aap usko kaise bol rahe, look at me. Sir, location is not a constraint with me. In fact, it would be an honor for me to work on this coveted project. Because this is the project which is our company's dream project. मैं अपने पूरे कन्वर्सेशन को अपने अपने कमांड में ले चुका हूं. उसके पास बोलने को कुछ नहीं है. वो अगला सवाल पूछ नहीं सकता द वे आई एम आस्किंग. कुछ नहीं पूछ सकता. वो ये भी नहीं पूछ सकता कि आप कहां रहोगे. बिकॉज मैंने उसको ये एटीट्यूड दिखा दिया है कि मैं अडेप्टेबल हूं. आप मुझे कहीं भी डाल दो और मैं इस कंपनी के लिए काम करूंगा, इस प्रोजेक्ट पे काम करूंगा. दैट इज वॉट यू हैव टू शो, राइट. सिमिलरली इफ यू आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच आई हैव मेंशनड ओवर देयर, तो उसका आप आंसर कैसे देंगे. आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद द शिफ्ट्स एंड दैट टू एनी शिफ्ट यू वांट मी टू वर्क. ही इज आस्किंग यू विल यू बी एबल टू वर्क एज पर यूएस शिफ्ट, यूएस टाइमिंग. मैं बोलता हूं सर आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद द शिफ्ट. इन फैक्ट एनी शिफ्ट यू वांट टू गिव इट टू मी, आई विल वर्क विद दैट शिफ्ट. चैप्टर एंड्स. वो आपसे कुछ नहीं पूछेगा कि 4 बजे आओगे, 5 बजे आओगे, 11 बजे रात को आओगे. आपने उसको बोल दिया है मेरे को adaptable हूं मैं. They will give you job. They want this type of people. I am again telling you, all of you, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत important parameter है. हमें पता नहीं होता है इसके answers कैसे देने. वहां हम सिर नीचे कर लेते हैं. और तो और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे especially मैं girls की बात बोलता हूं, girls की बात, girls of this group, सर हम daddy से पूछ के, पापा से पूछ के बताएंगे, हम अपने बड़े भैया से पूछ के बताएंगे, कुछ तो ये बोलते हैं स्कूल के कॉलेज के प्रोफेसर से पूछ के बताएंगे. डू यू थिंक योर कॉलेज प्रोफेसर इज गोइंग टू डिसाइड योर फेट? डू यू थिंक योर डैड इज गोइंग टू डिसाइड योर फेट? डू यू थिंक योर फ्रेंड इज मोर नॉलेजेबल अबाउट योर कैरियर? इफ यू वांट टू वर्क से यस, यू डोंट वर्क से नो. एंड द मोमेंट यू स्टार्ट गिविंग आंसर दिस वे, आई विल आस्क माई डैड, यू आर गॉन. You are an adult in the age group of 21, 22, and you are supposed to be taking your own decisions, right? So you have to give the answer. So I'm absolutely fine with the shifts, and that to any shift you want me to work with, I'm perfectly okay with this. Chapter ends. Can candidate be groomed? इसका आंसर कैसे देंगे? इसका मैं आपको दिखाता हूँ. क्वेश्चन है. You will have to deal with HNI. What is HNI? I will tell you. Will you be able to handle them? HNI का मतलब होता है high net worth individual. High net worth individual. High net worth individual का मतलब जो काफी affluent और काफी rich person है. Somebody who has 500 crores or 200 crores or 1000 crore का मालिक है. उसको बोलते हैं HNI. High net worth individual. अब मेरा काम, मेरा एक ऐसा जॉब है जिसमें मुझे HNI से डील करना है जो कि बहुत पैसे वाला बंदा है. उसको मैं कैसे हैंडल करूंगा? मैं तो फ्रेशर हूं और मेरे को कंपनी को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या करूंगा? दैट्स द क्वेश्चन दे आर आस्किंग. सेकंड क्वेश्चन इज, यू विल बी बेस्ड आउट ऑफ जर्मनी, हाउ विल यू सर्वाइव इन न्यू एनवायरमेंट एंड वर्क कल्चर? आपको मैं जर्मनी में प्लेस करूंगा, हाउ विल यू हैंडल इट? दीज आर द टू क्वेश्चंस. एंड आपको प्रूव करना है कि आई कैन बी ग्रूम्ड. आप ऐसे आंसर देंगे. ग्रेट. द फर्स्ट चीज मैंने क्या किया यहाँ पे, बहुत अच्छा आंसर दिखाया. देखिए, ग्रेट, वुड लव टू वर्क विद HNI, विल टेक गाइडेंस फ्रॉम माय सुपीरियर ऑन द क्रेडिट ऑन द क्रिटिकलिटी ऑफ हैंडलिंग देम. फर्स्ट थिंग, द मोमेंट दे हैव मेंशन सर, ओ ग्रेट सर, आई वुड लव टू वर्क विद HNI. इन फैक्ट व्हाट विल आई डू, आई विल टेक गाइडेंस फ्रॉम माय सुपीरियर एंड आई विल अंडरस्टैंड द क्रिटिकलिटी ऑफ हैंडलिंग देम, एंड देन इट वुड बी अ केक वॉक फॉर मी. उसके बाद मेरे लिए कोई भी दिक्कत नहीं है. It's a matter. In fact, it's a. I'm glad you are giving me a chance to work with HNI, and I would love to work with them. The only thing is that I will take guidance from my superiors, and I will also take guidance from my other cross functional team members. And once I take the guidance, I would be able to handle them. Not a big issue at all. Not a big deal at all. Start using those words. Not a big deal at all. Right? Next. You will be based out of Germany. How will you survive in new environment and work culture? Not a big deal, sir. Not a big deal. Look at my face. I am taking this question, sir. Not a big deal, sir. We'll understand and study the environment in advance. At
adjustment will not be issue at all for me. Speak like this, use body language, palm facing towards you, voice modulation, body movement, confidence, using your eyes, ear, everything. You can look at me how I am speaking. That kind of confidence should be there. Energy, inquisitiveness, attitude. Yeh hume dikhana hai as a fresher. I am telling you, you can crack any damn interview in the world. Right? So not a big deal, sir. I will understand and study the environment in advance, and adjustment will not be an issue at all for me. You are taking kya adjustment ki baat kar raha hai yaar, mere liye koi badi baat nahi, aisa dikhana hai. That's how you have to talk. Next, is candidate reliable? Maine aapko bola tha reliability is a very major factor. Abhi reliability ke bare mein aapse koi ek question puchne, tricky question, uska answer aap kaise denge? That is what I am going to talk about. Sample questions are, you will have to deal with high value cash transactions. How will we trust you? एक क्वेश्चन है, आपको हर दिन में करोड़ों रुपए का कैश डील करना है. कैश, लेट अस से ऐसे बिजनेस में जो आपको कैश डील करना है, हाउ विल यू ट्रस्ट यू? बहुत बड़ा फैक्टर है. हाउ कैन, एंड इट्स अ फैक्ट, आप अपने को उसकी जगह पे रख के सोचिए, अगर आप किसी को हायर कर रहे हैं जो कि हाई कैश के साथ डील करेगा, तो आप कैसे लेंगे उस बंदे को, क्या चाहेंगे उसे सुनना? वही आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है वो. सेकंड वन, यू नीड टू लॉग इन एवरी डे शार्प एट 5:30 AM. एनी डिले वुड कॉस्ट द कंपनी ह्यूज लॉस एंड रेपुटेशन. बहुत बड़ी बात है, अगर सुबह 5:30 बजे अगर आपको जापान से डील करना है, और यू आर डीलिंग विद इंडोनेशिया और एनी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जहां पे सुबह हमसे पहले होती है, फॉर एग्जाम्पल, एंड वेयर इन यू हैव टू लॉग इन अर्ली इन द मॉर्निंग, और आप कहते हैं हम तो सोए रहेंगे, भाई कैसे करेंगे, क्या आंसर देंगे? और आपका 5:30 बजे सुबह अगर आप लॉग इन नहीं करते हैं, इट विल रियली कॉस्ट टू यूज मनी, एंड यू नो रेपुटेशन इज एट स्टेक. हाउ विल यू आंसर? सो इसके आंसर्स मैं आपको बताता हूं. फर्स्ट वन, सर आई स्ट्रांगली बिलीव दैट इंटेग्रिटी इज अ पैरामाउंट फैक्टर फॉर एनी एम्प्लॉय. इंटेग्रिटी मतलब एथिक्स, इंटेग्रिटी, राइट, ऑनेस्टी, इररेस्पेक्टिव ऑफ हायरार्की. इररेस्पेक्टिव ऑफ द हायरार्की, हायरार्की का मतलब क्या होता है? पोजीशन. कंपनी में ना पोजीशन को हम हायरार्की बोलते हैं. अब मैं हायरार्की में जनरल मैनेजर हूं, मैं हायरार्की में भी एंट्री लेवल पर हूं. किस पोजीशन में? हायरार्की का मतलब पोजीशन. Hence, my suggestion would be to have a daily review on the collection rather than reviewing it on वीकली बेसिस. के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं. मैंने ये आंसर परपसली लिखा है. मैंने क्या किया, इस आंसर के अंदर ट्रिक डाला है उसको. ये आप जब भी किसी से कैश ट्रांजेक्शन करते हैं, तो हर वीक में आप हर रोज एक रिपोर्ट भेजते हैं, एंड ऑफ द डे रिपोर्ट, राइट, ओके. लेकिन आप जब रिव्यू करते हैं तो वीकली रिव्यू कहते हैं. अब यहां पर मैं उसको, चूंकि कैश के ट्रांजेक्शन की बात हो रही है, बड़े वैल्यू की बात हो रही है, इंटीग्रिटी बहुत बड़ा फैक्टर है, तो पहली बात तो आप ये बोलेंगे सेंटेंस में, सर आई स्ट्रॉन्गली बिलीव दैट इंटीग्रिटी इज अ पैरामाउंट फैक्टर इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एवर लेवल यू आर वर्किंग विद, एट व्हाट एवर लेवल ऑफ हायरार्की यू आर पोजिशन एट, इंटीग्रिटी इज पैरामाउंट, आई स्ट्रॉन्गली बिलीव इन इट. सो आपने पहले बता दिया कि मैं इंटीग्रिटी में विश्वास करता हूं. देन यू हैव टू से दैट आई हैव अ सजेशन सर. वॉट यू डू, यू हैव अ वीकली रिव्यू फॉर कैश, एंड आई थिंक इट इज बेटर इफ यू रिव्यू ऑन डेली बेसिस. So you can always rely on me, because every day you are dealing with me and I'm reviewing. I'll sit at the end of the day, I'll sit with you, and there would be review about the cash transaction and the collection. That is how you can give assurance. So my sentences which I have mentioned over here, they are assurance driven subject, because ye jo reliability factor hai usse saath assurance ka bahut bada nata hai. Agar aap assurance proof kar dete hain, you are in, right? So this is first answer. Second one, you need to log in every day sharp at 5:30 if any delay would cost the company huge loss in reputation. Aap answer denge. Sir, I do understand the criticality of logging in, logging on early morning. Hence,
will ensure that in any circumstances the system is locked on, and for this purpose I will have a backup plan so that in an unlikely event of my unavailability the work doesn't suffer. Can you see the words I have used? Circumstances, criticality, unlikely, unavailability, backup, purpose. You can see what I am written. Instead of understand, you can write the word make out. You can say, sir, I can very well make out the criticality of this particular work, and I do understand that you have to log in at sharp 5:30 a.m. I can assure you that without fail every day at 5:30 a.m. I am able to log in, and at the same time I will have a backup plan so that in an unlikely event, if I am not there, somebody is able to log in at sharp 5:30 and the work doesn't get suffered. That's all. Use the body language, use hand gesture, use your facial expressions, emotion, attitude, bring everything. You will be in. And that's what they want to see in you, right? So this is how you will answer this. Can he be a long-term employee? The last psychology factor, right? Can he be a long-term employee? Iske liye main ek question deta hun. Yeah. There are ample opportunities in this field. Opportunities ho gaya yahan pe. There are ample opportunities in this field. As many companies are venturing into this project, you are likely to get multiple job offers in future. What are your plans? Yeah, it would be R-A-R-E. Sorry, please ignore some spelling mistake. What are your plans? Suppose this is the question. Now, if this is the question, or iska aapko answer dena hai, let us say koi 5G pe kaam kar raha hai. 5G pe kaam ho raha hai, aur bahut sari companies jo hai is project pe kaam kar rahi hai telecom mein. और आपको आज अपॉर्चुनिटी आती है एयरटेल से, कल आइडिया से आती है, परसों वोडाफोन से, परसों इससे. And you can get many jobs. कैसे जवाब देंगे? I'll give you the answer. First of all, now this is a very big answer I have written here, and that is very important. I have purposely given a big answer. First of all, my only objective is to learn and work on this prestigious project. Secondly, my entire efforts would be able to take the project to the next phase in the span of next 5 years. मैंने क्या किया? इसका आंसर ऐसे डिजाइन किया है. पहले आपने बोला कि मेरे को पहले तो सीखना है और प्रोजेक्ट पे काम करना है, लेकिन सिर्फ मैं ये नहीं बताना चाहता हूं उसको कि सीख के मैं आपके यहां से निकल लूंगा. नो. और मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं अगले 5 साल में इस प्रोजेक्ट को नेक्स्ट लेवल को ले जाऊं. ये जो फर्स्ट 2 सेंटेंस है ये प्रूफ करने के लिए काफी है कि मैं 5 साल तो रुकूंगा ही. दैट इज व्हाई आई हैव डिजाइन दिस सेंटेंसेस लाइक दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल, माय ओनली ऑब्जेक्टिव इज टू लर्न एंड वर्क ऑन दिस प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट. Secondly, give a pause. Secondly, my entire efforts would again voice modulation. See what I am, the way I am speaking, pay attention. My entire effort would be to take the project to the next at the next level in next 5 years. Once I achieve the significant landmark, I expect the company to consider me for higher responsibility and bigger challenge. Remember these words which I mentioned yesterday. A significant landmark, I expect my company to consider me for higher responsibility and bigger challenges. Therefore, if my company is considering me for higher responsibility and bigger challenges after 5 years, I'm talking about it, there is no question of considering any opportunity beyond this company. Yahan pe maine indirectly ye bhi bata diya ki main mehnat se kaam karunga, 5 saal company ko agle level pe le jaunga, aur aapse ummeed karta hu ki aap mere ko higher responsibility aur bigger challenges denge. Agar aap mere ye do cheeze nahi karte hain to main is company ke bahar dekhunga. Indirectly you have also mentioned that, yeah, agar aapne mere ko nahi sahi samay pe 5 saal ke baad reward diya to main dekhunga. But you have already ensured him, आप मुझे हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिगर चैलेंजेस देते हैं आफ्टर 5 ईयर्स, आई विल कंटिन्यू टू वर्क. तो बॉल उसके कोर्ट में कि वो आपको अपॉर्चुनिटी दे. आप तो काम करने को तैयार हैं. यू वॉन्ट टू बी अ लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय. दिस इज हाउ यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट? ओके, नेक्स्ट वन इज कीन लर्नर. इस कैंडिडेट ए कीन लर्नर. अब इसके क्वेश्चन आते हैं दो. We understand from you that you have neither worked on
this platform, nor your project was on similar platform. Let's say computer science engineers ke liye question. How will you work on this new project? Number two, your complete exposure is in domestic business. However, we want you to work on international business. How will you cope up? Ye question aata hai. And you want to show I am a keen learner. How will you answer this? Number one, पहले मैं उन्हें कहा कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे काम ही नहीं करा है और आपको दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम करना कैसे करें? Well, it's not a big deal understanding a new platform. In fact, it's a matter of referring the text, manual and journal to get the acquaintance. Acquaintance, use good word. Once I am through with this, I will be able to handle it full-fledged. Nice word, right? You start, what I have mentioned? Sir, it's not a big deal working on a new platform. Sir, let me tell you, now again, I have, in fact, ki jagah pe, I can speak. Sir, let me tell you, it's a matter of just referring your manuals, text, and the journals. Once I am through with your text, manual, journal, I will have total acquaintance with the project on this platform, and I will be able to handle it full-fledged without any doubt. Say like this, right? You can twist, change the sentence, modify the sentence a little bit here and there. I have just given you the answers, how you have to speak. So that there is a confidence, the person has, mera aapko sirf ye kehna hai ki is psychology ko prove karne ke liye, आपको ऐसे बोलना है कि इसके बाद में उसका मुंह बंद हो जाए, एटलीस्ट उस पॉइंट पे वो कुछ भी ना बोल पाए, और जो आंसर्स मैं लिखे हैं उसके बाद उसके बाद बोलने को कुछ नहीं बचता, आपने बोल दिया सब कुछ. दैट्स हाउ यू हैव टू स्पीक. क्वेश्चन नंबर टू, योर कंप्लीट एक्सपोजर इज इन डोमेस्टिक बिजनेस, हाउएवर वी वांट यू टू वर्क ऑन इंटरनेशनल बिजनेस. हाउ विल यू कोप अप? कैसे करेंगे? आपको डोमेस्टिक बिजनेस हैंडल करते हैं और अभी हम आपको इंटरनेशनल बिजनेस देना चाहते हैं, कैसे कोप अप करेंगे? Well, you have to start answering with well. Well, I know the documentation involved in international business is quite different. I know. Start like this. Well, I know that documentation required for the international business is entirely different from the domestic business. But I can pick up the same once I sit with the international business team and understand the procedure. Very simple. It will hardly take me 1 week of time to take over from them. Very plain and simple. You already have international business, sir. It's a matter of just sitting with the cross-functional team. I'll go and sit with them, understand the procedures and the working. And after a week's time, I'm pretty sure I will be able to take up this business. Plain and simple and clear-cut answer. No more questions he would be able to ask you. That is how you have to answer if you are, or whether you are a keen learner or not. So this is how I have given you some of the answers jiske upar mein aap apne ko prove kar sakte hain. अब मैं आपको लास्ट चीज बता रहा हूं आज के सेशन का, उसके बाद हम क्यू एन ए लेंगे. अगर आपके हाथ से इंटरव्यू स्लिप कर रहा है, आपको लगा कि यार अब तो इंटरव्यू मेरे हाथ से गया, मैं क्या करूं, राइट? तो मुझे, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल दूंगा, बताता हूं. फर्स्ट थिंग, यू हैव टू कीप काम. मैं आपको, डिड आई गिव यू एग्जांपल ऑफ माय लार्सन एंड टूब्रो इंटरव्यू, मैडम श्रुति, मैडम श्रुति जी, आपको मैंने दिया था क्या? नहीं दिया था कल ना? मैंने कोई, मेरा एलएनटी के इंटरव्यू का एग्जांपल मैंने थोड़ा सा बोले, डिस्कस किया था आपने, फिर कहा था कि आगे बताऊंगा. हाँ मैंने, लेकिन अब एग्जांपल पूरा नहीं दिया था, राइट? यस सर. ओके, सो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. मेरा लार्सन एंड टूब्रो में इंटरव्यू हुआ था और यूटेक्टिक डिविजन के लिए हुआ था. ये आज से 95 की बात है, करीब 95, 96, 97 के आसपास की बात है. और उस वक्त लार्सन टूब्रो वाज द वन ऑफ द हाईएस्ट पेड कंपनी. और जब मैं उस इंटरव्यू में गया था, तो पहला मेरा दो राउंड इंटरव्यू हुआ, एक चैम्बर में इंटरव्यू दिया, फिर दूसरे चैम्बर में इंटरव्यू दिया. इट वॉज अ वॉक इन इंटरव्यू, जहां पे 500 लोग आए हुए थे और 20 बच्चे ले रहे थे, 20 लड़के. उसका प्रोसीजर था टू राउंड ऑफ बेसिक इंटरव्यू, टू राउंड, then a written test on mental ability, okay, and then group discussion, and then final interview. Do, three, four, five rounds थे. मैंने पहले दो round clear करे, और जब मैं mental ability लिखने गया तो मैं फंस गया, क्योंकि मैंने करीब mental ability का जो aptitude है, mental ability का कोई practice ही नहीं की थी, मुझे पता ही नहीं था कि वो mental ability का कोई test आएगा. I just wrote the mental ability का टेस्ट, और उसमें मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाया, कर दिया मैंने, मेरे मार्क्स कम आए, क्योंकि वो मेरी प्रैक्टिस में नहीं था.
उसके बाद जीडी में गया, जीडी क्रैक कर दिया मैंने। जीडी के बारे में मैं बताऊंगा जब मैं जीडी का सेशन लूंगा। उसके बाद मैं जब फाइनल इंटरव्यू में आया, तो फाइनल इंटरव्यू में उन्होंने, अब लास्ट 40 आ गए 500 में से, 40 में से 20 लेने हैं और एवरीबडी वॉज वेरी गुड। उसमें उन्होंने मेरे से, मेरे को इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़े हुए करीब 6 या 7 साल हो गए, तो जो बंदा मेरा इंटरव्यू ले रहा था, और ये जॉब सेल्स का था, जो बंदा मेरा इंटरव्यू ले रहा था वो आदमी R&D का था, उसके पास फ्रेंच कट दाढ़ी थी और पढ़ाकू टाइप का बंदा था, और एक बंदा बगल में बैठा हुआ था वो पैनलिस्ट था, वो सिर्फ मेरे बॉडी लैंग्वेज को चेक कर रहा था, और एक और बंदा था वो HR का था, ये टीम थी और मैं अकेला था। दिस इज व्हाट वाज द रूम, दिस वाज द सिनेरियो। जब मैं इंटरव्यू देने गया तो वो जो R&D का बंदा था उसने मेरे से क्वेश्चन पूछने शुरू करे जो कि मैंने किताब में 7 साल पहले पढ़े थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जो कि इंडस्ट्री से रिलेटेड थे, मुझे पता ही नहीं थे। पहले तो कुछ क्वेश्चन का जवाब दिया, एक का जवाब दिया, दो का जवाब दिया, उसके बाद में मैंने कहा यार ये तो मुझे आ नहीं रहा, सॉरी सर, आई डोंट नो सर, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन पूछ रहा है, मुझको आंसर नहीं पता है। मैंने कहा ये इंटरव्यू गया। That's how you have to handle intelligently. जैसे जब 3 या 4 questions उसने पूछे, I said, excuse me sir, sir, you have been asking me questions and I have been saying I do not know, I'm not sure. I think you may not be enjoying this interview, right? I am also not enjoying the interview. You're asking me questions and I am not knowing it. Can we talk something else? That's how I spoke. Can we talk something else? He said, what do you want me to talk to? वो smile करके बोला, मेरे को यही चाहिए था। मैंने बोला सर लेट्स टॉक अबाउट माधुरी दीक्षित, उन दिनों माधुरी दीक्षित बहुत पॉपुलर थी, और मैंने बोला लेट्स टॉक अबाउट माधुरी दीक्षित, और मुझे पता था कि इसको माधुरी दीक्षित के बारे में कुछ नहीं आता होगा क्योंकि ये तो पढ़ाकू आदमी है, ऐसा मेरे मन में आ गया था। वो बंदा हंसने लगा, बोलता है संजय मैं मूवीज तो देखता नहीं हूं। मैंने कहा ओके सर, कैन वी टॉक समथिंग एल्स? और मैं जब ये पूछ रहा था तो मैं स्मार्ट प्ले नहीं कर रहा था, इनोसेंट प्ले कर रहा था। Can we talk something else, sir? Humble play कर रहा था, humbleness, तो even more, humbleness, arrogance नहीं था, confidence था, arrogance नहीं था, humbleness था, मैं घुमा नहीं रहा था, right? Honesty थी। कहता, what do you want me to talk to? You tell me, आप ही बता क्या बात करूं मैं आपसे। मैंने कहा मेरी हॉबी के बारे में बात करिए। इसे okay, what are your hobbies? सारी प्रिपरेशन मेरी पहले से थी, मुझे पता था कि हॉबी के बारे में फंस जाएगा ये। मैंने बोला सर आई लाइक वॉकिंग। कहता ओके यू लाइक वॉकिंग, यस। How much do you walk? I said, every day I go 2.5 kilometers for having my dinner, and 2.5 kilometers I come back, 5 kilometers I walk in the evening, and in the morning when I go for my job, that time I was working with Kirloskar. When I go for the job, from the bus stop to my office is around 2 kilometers. Every day in the morning, 2 kilometers I walk there and 2 kilometers I walk there. 4 kilometers in the morning and 5 kilometers at night. 9 kilometers I walk. He said, okay. Then he did not know what to ask. He said, how much energy you burn? I knew that answer. I said, I burned so much of calories. How do you keep yourself fit? I said, this is how I keep myself fit. He said, Sanjay, tell me one thing. I liked everything about you. But our job is in a very remote location. We will be placing you somewhere in a remote village of Gujarat. Is it okay with you? I said, sir, you place me anywhere on this planet. This is what I spoke. You place me anywhere in this planet with a smile, not with arrogance, not overconfidence. Sir, you place me anywhere you want me to be placed in this planet. I will go and take up the job. This is Larsen & Toubro. I proved my attitude. He said, you know what? She took out the sheet. He said, see, your marks in mental aptitude and reasoning is very poor. But I liked you. I really liked you because you have the confidence and you are in. That's how I cracked the interview. Interview was slipping from my hand. So when interview slip from your hand, you have to work intelligently. But intelligently ke andar mein aapko smart play nahi karna hai, humble play karna hai, genuine play karna hai, honesty play karna hai, innocence play karna hai. They will consider you. So keep calm. Kabhi bhi nervous nahi hona agar interview aapke haath se slip kar raha hai. Keep calm. Right? That's the first important thing. Hum apni calmness kho dete hain. Main bhi us waqt काम नहीं लगता कि अरे क्या करूं, ये तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता, मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं। कीप काम, टेक डीप ब्रेथ एंड डोंट पैनिक।
अब मैं एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। एक जर्मन कंपनी में मेरा इंटरव्यू हुआ और वहां पे मेरे से आई वॉज इन किर्लोस्कर, वहां पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। और वो एक बड़ी अजीब सी बात थी, उसमें उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि आप जो जनरेटर हैंडल करते हैं उसके इंजन का बोर कितना है। पता नहीं गलती से मेरे मुंह से, क्योंकि वो इंटरव्यू में मेरे मुंह से जो इंचेस की जगह पे, सॉरी फीट बोलना था, फीट, क्योंकि बड़े इंजन थे, फीट की जगह मीटर निकल गया। मेरे को बोलना था कि जो इंजन का बोर है, चूंकि ये शिप का इंजन है, इसका बोर करीब करीब 1.5 फीट है, ऐसा कुछ है। मेरे मुंह से 1.5 मीटर निकल गया। अब क्या करूं मैं, गलत आंसर निकल गया, मुझे पता है मैंने गलती से मुंह से निकल गया। ही सेड 1.5 मीटर्स, यू नो, एंड आई न्यू दैट मेरे गलती से मुंह से निकल, क्या करूं। अगर मैं बोलता नहीं नहीं सर मीटर नहीं है, वो एक्चुअली फिट है, वो बोलता कि इसको पता नहीं है। मैंने बोला यस सर इट्स अ मीटर, इट्स अ शिप इंजन, इट्स अ ह्यूज इंजन, दे कैन कैरी द होल शिप टुगेदर, आई हैड टू हैंडल इट। सो समटाइम्स आपको इज ओ दैट्स व्हाई इट इज सो बिग, यस सर द इंजन्स आर वेरी बिग, इट्स अ मान शिप इंजन। सो समटाइम्स आपको थोड़ा घुमाना है, लेकिन घुमाने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि सामने वाला घूम पाएगा या नहीं घूम पाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर था, मैकेनिकल इंजीनियर था, मैं उसको घुमा पाया। तो मुझे वहां पे घुमाने के लिए ये देखना है कि मैं सही काम कर रहा हूं, नहीं तो पता चला अगर मैं उसको वो बोलूं वो उल्टा मेरे को खा जाता कि यार व्हाट आर यू टॉकिंग, टॉकिंग नॉनसेंस, कैन द बोर बी सो मच। इसलिए आपको बहुत ध्यान से आंसर देना है, समझना है, अगर घुमाना भी है तो केयरफुली घुमाना है। एंड उसके बाद में जब मैं इंटरव्यू हुआ मेरा, मैं बाहर आया, फर्स्ट राउंड था, और मैं बाहर आकर के मैंने सोचा यार आज तो मैं गया, इसमें मेरे मुंह से गलती से ये फिट निकल गया, इन मीटर निकल गया, क्या करूं। मैं घर आ गया, शाम को 4:30 बजे फोन आता है मेरे पास, संजय आप प्लीज आ जाइए, आपका सिलेक्शन हो गया है, लास्ट राउंड में सैलरी नेगोशिएशन करना है। दैट्स हाउ आई हैंडल्ड इट, अदरवाइज मैं हाफ में लगता कि अरे क्या हो गया, इंटरव्यू हाथ से स्लिप करके। सो डोंट पैनिक, और जब भी आप फंस रहे हैं टेक ए डीप ब्रेथ, ओके प्लीज गिव मी सम टाइम, आपको आंसर नहीं आ रहा है, सर कैन आई गिव इट अ ट्राई, कैन आई गिव इट अ ट्राई, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर कैन आई गिव इट अ ट्राई, कैन आई हैव सम टाइम प्लीज, यूज योर बॉडी लैंग्वेज, सर कैन आई हैव सम टाइम प्लीज, कैन आई टेक 2 मिनट्स प्लीज, स्पीक, डोंट लुक एट हिम, डोंट। लड़कियां कई बार पीछे देखने लगती हैं, लड़के हवा में देखने लगते हैं सीलिंग पे, जैसे कि वहां पे लिखा हुआ है इसका आंसर क्या है, ऐसा नहीं करना है। डोंट डोंट लूज योर, डोंट लूज योर पेशेंस एंड कामनेस, कीप काम, टेक ए डीप ब्रेथ, से आई नीड सम टाइम टू थिंक, आई नीड सम टाइम टू थिंक सर, लेट मी गेट बैक टू यू, लेट मी गिव इट अ ट्राई। अगर आपको सॉफ्टवेयर लिखने को बोलते हैं सर कैन आई हैव ए पीस ऑफ पेपर प्लीज, सर या टेक इट, टेक ए पीस ऑफ पेपर, टेक पेन, अप्लाई योर ब्रेन एंड ट्राई, सर दिस इज वॉट आई बिलीव शुड बी माई अप्रोच, से लाइक दिस, डोंट से ओह आई डू नॉट नो सर, हम ब्लैंक हो जाते हैं, ब्लैंक नहीं होना है, उनके चेहरे पे देखने लगते हैं, डोंट डू दैट। मैंने क्या बोला था, जब आप फंस जाएंगे आई कॉन्टेक्ट ब्रेक करके कन्वर्सेशन जोन में देखना है, ऐसे सर जस्ट गिव मी कपल ऑफ सेकंड्स, लेट मी थिंक अबाउट इट, लुक एट द कन्वर्सेशन जोन एंड से एज पर मी दिस इज वॉट इट शुड बी। अगर आपको आंसर नहीं आता है, सॉरी सर आई एम सॉरी, आई एम नॉट क्लियर अबाउट इट, आई एम सॉरी आई एम नॉट श्योर अबाउट द आंसर, से लाइक दिस विद कॉन्फिडेंस, ना भी बोलना है तो कॉन्फिडेंस से बोलना है, यू विल बी इन, यू विल बी कंसिडर्ड, राइट। डोंट लूज योर सिटिंग पोस्चर, द मोमेंट हम हमारे हाथ से इंटरव्यू निकलता है, हम नर्वस होने लगते हैं और हम ऐसे बैठ जाते हैं स्लाउज करके। जो मैंने बोला था हीरो पोस्चर, वो हीरो पोस्चर मेंटेन रखना है इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर डूइंग वेल और वेदर यू आर इंटरव्यू स्लिपिंग आउट ऑफ योर हैंड, डोंट लूज योर सिटिंग पोस्चर, बी फर्म, राइट, दैट इज वॉट यू नीड टू डू, डोंट लूज योर सिटिंग पोस्चर, डोंट से आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट, लेट मी गेट बैक टू यू, गिव मी सम टाइम, जस्ट डोंट से, एक बार बोल सकते सर डोंट से आई डोंट नो सर, आई डोंट नो सर, से आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई नीड टू रिफ्रेश सर, आई नीड टू रिफ्रेश, आई हैव स्टडीड दिस, आई हैव स्टडीड दिस, आई नीड टू रिफ्रेश, बट एट दिस मोमेंट आई एम नॉट श्योर अबाउट द आंसर, से लाइक दिस, डोंट से सर आई डोंट नो, दैट्स व्हाट पीपल डू, डोंट डू दैट,
Avoid any awkward silence. Yes, I mentioned it to you. Most of the time हम उसके चेहरे पे ऐसे देख रहे होते हैं जैसे कि उसके फोरहेड पे लिखा हुआ है इसका आंसर क्या है. डोंट लुक, शांत हो जाते हैं. द मोमेंट देर इज अ साइलेंस बिटवीन यू एंड द इंटरव्यूअर एंड द इंटरव्यूअर कम्स टू एन एब्रप्ट साइलेंस, दैट्स अ वेरी डेंजरस ट्रेंड. डू समथिंग, फेल इट. से सर लेट मी गिव इट अ ट्राई. Let me give it a try. Sir, let me see. I have studied it. Let me give it a try. Sir, this is what I believe. This should be the way to, this should be the approach. To say, if you do not know anything, sir, I'm sorry, sir. I'm not sure about it. I need to refresh. I need to check. Can I get back to you after checking? Say like this. Buy time. आपको सोचना है ना? ऐसे मत सोचिए. हम लोग ऐसे सोचते हैं. बॉडी लैंग्वेज मेरी देख सकते हैं आप. माई बॉडी लैंग्वेज इज वेरी वीक बॉडी लैंग्वेज. डोंट हैव दिस बॉडी लैंग्वेज. से सर कैन आई टेक सम टाइम प्लीज. लुक एट माई फेशियल जेस्चर, माई एक्सप्रेशन. स्टिल आई एम, इफ आई डू नॉट नो, आई एम ट्राइंग टू शो दैट नो प्रॉब्लम, लेट मी ट्राई. कैन आई टेक सम टाइम प्लीज, लुक बैक. नहीं कुछ आता है, कोशिश करिए. से आई एम सॉरी, आई एम नॉट गेटिंग इट सर, आई एम नॉट गेटिंग, आई एम सॉरी. चैप्टर एंड्स. Break eye contact and concentrate on thinking. उसके साथ आप उसके चेहरे पर देख करके सोचना शुरू कर देंगे, you will be further nervous. वो आपको देखेगा ये क्या देख रहा है मेरे चेहरे पे. Don't look at his face and start thinking. Don't do that. Right? Break eye contact and concentrate on thinking. Look into the conversation zone or take a piece of paper and just try to write and then get back. Have a connection and say, sir, I'm not getting it. I'm sorry, I can't get it. I'm not able to refresh. I need to refresh it. I have studied it, but I need to refresh it. कुछ नहीं पूछ सकता वो, कुछ नहीं बोलेगा. आप कमांड में आएंगे. इवन इफ आपको नहीं आता, आप कंट्रोल में रहेंगे. Think loud and say, this is what I know and this would be my approach. मैंने आपको बोला है ना, sir, this is what I think and this should be my approach to solve this problem. That's how you have to speak. गलत या सही, ये मैं आपको वो ट्रिक बता रहा हूं. जब इंटरव्यू आपके हाथ से निकल रहा है तो आप कैसे हैंडल करेंगे. दिस इज हाउ यू विल हैंडल इट. डोंट ब्लफ, सबसे इंपॉर्टेंट. उसको पता चल जाएगा कि आप जो है पूछ रहा है वो आपसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में और आप बात कर रहे हो हाईवे कंस्ट्रक्शन के बारे में. डोंट डू दैट. डोंट ट्राई टू गिव रॉन्ग आंसर्स. आई ऑलवेज से नहीं आता है, बोलिए सर आई डू नॉट नो, आई एम सॉरी. और से आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. आई डू नॉट नो एक बार बोलिए, बार बार मत बोलिए आई डू नॉट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. आई वाई आई से आई से डोंट, आई डोंट नो, क्योंकि उसको लगा कि यार ये बिल्कुल ही ब्लैंक है. से आई एम नॉट श्योर अबाउट, आई हैव स्टडीड इट, आई हैव स्टडीड इट फाइनल ईयर, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट. आई नीड टू रिफ्रेश इट, आई नीड टू टर्न द पेजेस, आई कैन रिकॉल इट, बट आई हैव स्टडीड इट. से लाइक दिस. डोंट गिव अ रॉन्ग आंसर्स. And in fact, don't give an answer which is you are trying to tell him that this could be the answer. He knows the answer. Redirect the conversation to a topic you are confident talking about, which is, this is what I did in Larsen & Toubro. Do this sometimes. Kuch nahi hota hai, then you can say, sir, can we talk something in? Sir, C language, I am not very sure. I'm not very, I have a good command. Can we talk about some other language? Is it okay with you, sir? Can you talk to me question about Python? I am good in Python. Say like this. हाँ से निकल भी रहा होगा तो आप वापस दे सकते हो. And see, I have studied. I'm not saying I haven't studied, but once I get into the job, I can go through the manual or I can go back today and I can read it. I can come back with the answers. Say like this. Okay. So we will take Q&A now and then we will talk further. So, people have a question. You learned something so far, whatever I talk, was it interesting? Hello. Okay. So I will take question. Now, there's a question from Muhammad Afzal. Muhammad, you have a question. Please ask a question. You unmute yourself and ask me question, or you can write question here. Better to write it over here.
I will answer it. Sorry to interrupt. Please write your question sure. in chat box only. Sure, sir, I will. Please write your question in chat box only. We need to talk. Yes. Okay, sir, sure. I need something. Anybody who has a question, keep writing in the chat box. I will keep answering it. Whoever has a question, please keep writing in the chat box. I will answer one by one. And if I miss any question, Shruti, I will request you to note it down, and then you can ask me on their behalf, and I will. Right. Very good. Okay. Thank you. Okay, Pushpa Kushwaha has a question, sir. If recruiter asks me what make me angry, what should I reply? Very good question. I can give you answer now, but the question I can give you tomorrow, because I am covering it tomorrow. But you can always say, whenever somebody asks you question, what makes you angry? Or there's another way to ask you question, what kind of people check your patience? Hamesha yaad rakhiyega. Whenever somebody asks you this question, you have to answer in such a way, jo answer unki company ke liye important hai. If some company is into software, or company ke liye deadline important hai, timely work or punctuality important hai, you give answer, sir, everything is fine. But for me, anybody who is not punctual and doesn't meet deadline, that kind of people really try my patience, or I get angry with a person who doesn't stick to timing. उस चीजों को दिखाइए जो उस कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, उस चीज को बोलिए. अंडरस्टैंड, डोंट से समथिंग जेनरिक आंसर. सो दैट वाई दैट इज दैट्स द वे यू कैन इंप्रेस हिम. ओ वाओ, दिस गाय इज सो इंपॉर्टेंट, राइट? समबडी सेड आई डू नॉट लाइक पीपल हु डोंट डू हार्ड वर्क. सो आई दैट्स व्हाट काइंड ऑफ पीपल इट गिव्स मी एंग्री. समबडी हु प्रोक्रास्टिनेट्स, चीजों को कल करेंगे, दैट काइंड ऑफ सिनेरियो रियली आई इन दैट सिनेरियो आई गेट एंग्री. गिव आंसर लाइक दिस. Okay, if you could ask me what make me angry, ho gaya. Rajiv Kumar say, can we say I am adaptable during my shift? I am adaptable during day shift. Don't say like this. I am adaptable during my day shift. Rajiv, aap jo question puch rahe hai ki aapka shayad ye kehna hai ki, sir, I am comfortable in my day shift. Don't say I am comfort. Say I am adaptable. Any shift is okay with me. Don't say, sir, I am comfortable in day shift. That he will say that he is not flexible. Try to say that I am comfortable in any shift. Then there is a question. Rajiv ke baad mein, Kumar Vishwas, what is the best way to avoid anxiety? I have given the answers in the slide. If anything is there, you can ask me. A common question generally asked in interview, why should I hire you for this job? This question is coming tomorrow in my interview question and answers. I will cover it up, because this is what I am going to talk tomorrow. Lot of question and answers. This I will cover. Don't worry. Sudhir, you will get answer tomorrow. I have tomorrow session in on this only. Mohammed Afzal, sir, when we have a wide scope of our career, how much time and energy we should emphasize on the particular topic, or should we also emphasize on our other strength, or only on the company's job position? Very good. So you are saying that when we have a wide scope of our career, how much time and energy we should emphasize on the particular topic, or we should also emphasize on our other strength. See, मैं आपको एक बात बताता हूँ. जब आपके पास काफी स्कोप है, आपको एक प्लान करना है, सबके ऊपर बराबर ध्यान देना है. मैं आपको एक थंब रूल बोलता हूँ, 80% टाइम तो आपको अपने पढ़ाई पे ध्यान रखना है. और आई कैन से और नॉट 60% से पढ़ाई तो आपका प्राइमरी है. रिमेनिंग जो आपका 20-40% के अंदर में आपको जॉब की तैयारी भी करनी है, ग्रूमिंग पे तैयार करना है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में करना है. आप 80-20 रूल बनाइए. 80-20 रूल, 20% टाइम आपको देना ही है. अगर मैं पर डे शेड्यूल की बात करता हूं, अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो 10 घंटे में से 8 घंटे 10 घंटे का टाइम आप कॉलेज के अलावे दे रहे हैं. कॉलेज के अलावे 8 घंटे पढ़ाई करेंगे और 2 घंटे इन चीजों के लिए भी देंगे. 2 आवर्स
जिसमें आप जॉब के ऊपर में, अपने पर्सनालिटी के ऊपर में, कम्युनिकेशन के ऊपर में, कंपनी के बारे में जानने के ऊपर में, रिसर्च करने के ऊपर में, वो आपको देना है। 2 घंटे बहुत है, और आप एक दिन में 10 घंटे में से 8 घंटे पढ़ाई करते हैं और 2 घंटे करते हैं, इट्स ए गुड। अब मुझे पता है इंजीनियरिंग में कितना पढ़ना पड़ता है, सो आप ये 80-20 रूल बना के चलिए, 80% स्टडीज एंड 20% ऑन अदर थिंग। होप मोहम्मद आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। Excuse me, sir. Yeah. Sir, thank you. Using audio voice. Yeah. Did you my answer? Sir, actually, I want to ask that if I'm good in language programming and coding, but I have other skills like security, cyber security, or HR management, and one can apply only at a time for a job position, single job position, then can we emphasize on others like I'm also good in and they are having a vacancy for cyber security and HR. Can we use? Yeah, so आपको देखना है कि you are talking job मिलने से पहले का, right? Before getting the job, correct? Yes, sir. During the interview. Yeah, during the interview. Before interview, correct? मतलब interview से पहले तैयारी की बात कर रहे हैं ना आप तो? Yes, sir. ओके, सो अब आपको देखना है कि वो कंपनी किस डोमेन में काम कर रही है, जिस डोमेन में काम कर रही है। देखिए, आपने एचआर की बात करी, आप एचआर पे काम नहीं करेंगे क्योंकि एचआर आपका फील्ड नहीं, आप इंजीनियरिंग फील्ड से, करेक्ट? डू यू एग्री विद मी? तो यस सर, तो आप एचआर के बारे में बात नहीं करेंगे। अब आपको पता है कि ये कंपनी इस डोमेन में है, तो इंटरव्यू से पहले उसी डोमेन पे काम करिए, उसके अलावे डोमेन में काम नहीं करिए। हाँ, उसके अलावे अगर आपको तैयारी करनी है किसी और डोमेन में, तो वो आप किसी और कंपनी में हेल्प करेगा, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक किसी कंपनी के लिए काम करने जा रहे हैं और उस कंपनी में किस डोमेन पे काम होता है, तो प्रिपेयर उस डोमेन से रिलेटेड ही करिए। आर यू विद मी? यस सर, गॉट इट, थैंक यू सर। उस कंपनी के लिए उसी डोमेन में काम करिए, उस कंपनी के बियॉन्ड आप दूसरे डोमेन में काम कर सकते हैं और उसका किसी और कंपनी में फायदा होगा, लेकिन इस कंपनी के लिए आप उसी डोमेन पे तैयारी करिए। डू नॉट प्रिपेयर फॉर अदर डिपार्टमेंट। अब आपको एचआर के लिए तो एमबीए चाहिए, और आप एमबीए नहीं हो, कोई फायदा नहीं है काम करने का। मार्केटिंग की बात करेंगे, आप एमबीए मार्केटिंग नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जो आपका रोल है उसके ऊपर ही कंसंट्रेट करना है। प्रिया रानी, सॉरी रानी प्रिया, सर इफ दे आस्क अबाउट अ सैलरी एक्सपेक्टेशन देन व्हाट शुड वी टेक इन दैट सिचुएशन। रानी, मैं आपको इसका आंसर कल दूंगा, कल के क्वेश्चन में ये सवाल है कि अगर सैलरी पूछेंगे तो आपको क्या जवाब देना है, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है और ये सारे मैंने लिखे हुए हैं, और कल मैं इसके बहुत अच्छे से आपको आंसर दिखाऊंगा। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर, तो टुमारो आई एम गोइंग टू टेक अप दिस, तो टुमारो यू विल गेट दिस आंसर, डोंट वरी अबाउट इट। एनी अदर क्वेश्चन? तो बहुत सारे क्वेश्चन है, सॉरी। या देयर इज अ क्वेश्चन, अनामिका के क्वेश्चन है, सर इट सीम्स दैट इफ वी मेक समथिंग न्यू इन आवर लाइफ देन व्हाट विल पीपल से अबाउट इट। इट सीम्स दैट इफ वी मेक समथिंग न्यू इन आवर लाइफ देन व्हाट विल पीपल से अबाउट इट। मीन्स अनामिका, आर यू देयर? आप हैं वहां पे? कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ अनामिका? हाँ अनामिका, पूछिए, फिर से पूछिए, आप मुझसे बात करके पूछिए। I didn't understand the question really. बोलिए अनामिका, बोलिए अनामिका, कैन यू स्पीक प्लीज, बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए सर, अपने लाइफ में नया करने के लिए अगर रहे तो मतलब क्या बोल सकते हैं, फिर क्या ऐसे जो लोग पूछते हैं तो क्या बोल सकते हैं उसके बारे में? नया क्या करना चाहते हैं, फिर से बोलिए। नया अगर करना हो तो, नया करना की आपको इच्छा है तो, करेक्ट? यस सर। नया करने की इच्छा मतलब लाइफ में, या लाइफ के अंदर कुछ नया करने की इच्छा है, या कैरियर में कुछ नया करने की इच्छा है? कैरियर में, अगर इंटरव्यू में आप ये जानना चाहती हैं कि इंटरव्यू में आप उसको बोल सकती हैं कि आई एम ऑलवेज कीन ऑन वर्किंग न्यू प्रोजेक्ट्स,
करेक्ट? यस सर। यू आर, कैन यू हियर मी अनामिका? आई एम ऑलवेज कीन ऑन वर्किंग ऑन न्यू न्यू प्रोजेक्ट्स, आई एम ऑलवेज कीन ऑन ट्राइंग माई हैंड्स ऑन फ्रेश प्रोजेक्ट्स और वर्सेटाइल प्रोजेक्ट्स. वर्सेटाइल इज द राइट वर्ड, वर्सेटाइल प्रोजेक्ट. तो मुझे कुछ नया करने की इच्छा है, एंड आई वुड लव टू वर्क ऑन वर्सेटाइल प्रोजेक्ट्स. दैट इज हाउ यू कैन स्पीक. दिस इज वॉट यू वॉन्ट टू नो अनामिका, और कुछ और आपके दिमाग में है? सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, नो श्रुति हियर। हाँ हाँ श्रुति बोलिए. सर आई थिंक शी इज ट्राइंग टू आस्क दैट इफ दिस इंटरव्यू आई आस्क फ्रॉम द स्टूडेंट्स दैट व्हाट यू आर यू थिंकिंग ऑफ डूइंग इन न्यू एट योर करियर, व्हाट यू थिंक अबाउट देम, इफ देन व्हाट शुड बी आंसर टू द इंटरव्यू. मतलब आप नया क्या करना चाहते हैं? If the interview asks from us, then what या should, नया should आप क्या करना चाहते हैं, नया आप क्या करना चाहते हैं, करेक्ट? Yes. यही 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 सवाल है ना, राइट? देन यू हैव टू, अनामिका डू यू हैव, हाँ यही अनामिका आपको, आर यू हियर? अनामिका यही सवाल है ना कि नया क्या करना चाहते हैं, राइट? यस सर। या अनामिका जोर से बोलिए. This is what you ask. Yes. So you. Yes, sir. Yeah. So you have to say, sir. Yes, I always would love to work on a new project in your organization, and also I would like you to give me opportunity to work with cross-functional teams. Yeah, आप बोलेंगे नया का मतलब cross-functional team, and at the same time I would like to also work with various departments. So today, suppose you hire me for the position of let us say. Software development. Tomorrow I would like to also try my hands on testing. Example bolta hu. So this is how you have to speak. I would always like to work on a new project and new area so that I can learn more. So that I am always open to work on a new area. Agar aap mujhse specific question puche, agar aapka koi branch hai, to main uska aur specific answer de sakta hu. But in general, this is how you have to. आंसर नया करने का मतलब आई कैन वर्क विद डिफरेंट डिपार्टमेंट, आई वुड लव टू वर्क विद डिफरेंट डिपार्टमेंट, आई वुड लाइक टू वर्क ऑन दिस अपकमिंग प्रोजेक्ट वेयर योर कंपनी इज ऑलरेडी वर्किंग विद, एंड यू कैन ऑल्सो से दैट आई वुड लाइक टू ऑल्सो वर्क विद अ क्रॉस फंक्शनल टीम, दिस इज न्यू थिंग आई वुड लाइक टू वर्क. दैट्स हाउ यू हैव टू आंसर. होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. ओके सर. If you are not satisfied, you can write, or आप हिंदी में पूछ सकती हैं मुझसे कि this is what you are trying to ask me, right? अगर आप if you are not convinced by answer or if your question is something else, is it okay? Shruti, okay sir. Question, this is what she wants to ask, कि आप नया क्या करना चाहते हैं? Yes, I think it's clear. राइट. आप ये भी बोल सकते हैं कि सर आई वुड लाइक टू एज फार एज न्यू थिंग्स आर कंसर्न, आई वुड ऑल्सो लाइक टू इन्वॉल्व इन न्यू रिसर्चेस विच कंपनी इज वर्किंग, एंड आई वुड लाइक टू गेट इन्वॉल्व इन रिसर्च वर्क ऑफ दिस कंपनी. ये भी बोल सकते हैं नया में, ये बोल सकते हैं. ओके. विशाल आनंद का क्वेश्चन है, समटाइम्स हेजिटेशन कम्स विद मी व्हाइल आंसरिंग, आई फील दिस इज ड्यू टू द नर्वसनेस, हाउ कैन आई कोप अप फॉर द गुड कम्युनिकेशन एंड कन्वर्सेशन. जब भी नर्वसनेस हो विशाल, आपको एक काम ये करना है, टेक ए डीप ब्रेथ. मैंने आपको इसमें एक आंसर बताया है, टेक ए डीप ब्रेथ, स्टॉप, राइट? हमेशा मैं आपको बोलता हूँ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपको बहुत हेल्प करेगी. ऑलवेज टेक ए डीप ब्रेथ एंड गिव इट ए पॉज, एंड डोंट एवर ब्रेक योर आई कॉन्टेक्ट. क्योंकि हमारा क्या होता है कि हम जब नर्वस होते हैं तो हमारी सांसें उखड़ जाती हैं, ऑक्सीजन रिटेंशन कम हो जाता है, आई कॉन्टेक्ट हट जाता है, एवरीथिंग गोज अगेंस्ट अस. तो आपको आई कॉन्टेक्ट बना के रखना है, बॉडी जेस्चर स्ट्रांग रखनी है, डीप ब्रेथ लेना है, काम होकर के पॉज लेना है, एंड देन से ये सर टेल मी. और वही मैंने बोला कि माइंड को ट्यून करना है कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, बट आई विल ऑलवेज ट्राई. दैट इज हाउ यू हैव टू आंसर. Right, Vishal? Anything? Have I answered your question, Vishal? Yes, sir. Practice से आएगा विशाल ये. Don't worry. Hesitation सबको होती है.
लाइक नर्वसनेस सबको होता है, बट आप अपने कम्युनिकेशन से, अभी अभी मैंने आपको जो आंसर्स दिखाए थे, हमेशा याद रखिए नर्वसनेस को पकड़ने का और ग्रिप में रखने का, अरेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है आपको बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज नर्वसनेस को ओवररूल कर लेती है। दैट इज व्हाई आई से प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज, नर्वस नहीं होंगे, और आप जो स्ट्रेट में बैठेंगे नर्वस नहीं होंगे, स्पाइन स्ट्रेट करके। रवीश का क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इंटरव्यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कमिंग इन माय माइंड दैट मेक्स अस नर्वस, हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन कम ड्यूरिंग इंटरव्यू, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कमिंग इन माय माइंड। यस, मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, रवीश आई एम आंसरिंग यू, तो आपको क्या करना है, आप पहले दिन बिफोर, वन डे बिफोर मैंने बोला था जो भी स्पिनिंग क्वेश्चंस हैं उसको आप लिख लीजिए, और उसके आंसर्स आप कैसे देंगे वो हैंडल करिए, दैट इज विच इज इन कमिंग इन योर माइंड। अगर आपको इंटरव्यू में, एक और चीज होती है, एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको सांस लेने का फुर्सत नहीं देंगे, एक ने क्वेश्चन पूछा, दूसरा आपको डिमोरलाइज करने के लिए दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, तीसरा क्वेश्चन पूछेगा, एक के बाद एक क्वेश्चन बम्बार्ड होते हैं। डोंट वरी, इसने क्वेश्चन पूछा जवाब दीजिए, मूव योर हेड, इसका जवाब दीजिए, जैसे आप, आपको कोई फायर कर रहा है एंड यू हैव टू शील्ड योर सेल्फ, डू इट, बट डोंट लूज कॉन्फिडेंस। कोई भी दिमाग में सवाल आता है पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, दैट इज फॉर श्योर। वहां पे आपको, जैसे आप किसी दोस्त से बात करते हो, आपको ये सोच जाना है कि मेरे लिए एक नॉर्मल कन्वर्सेशन है, मैं किसी डेमन से या किसी मॉन्स्टर से बात करने नहीं जा रहा हूं, ही इज ऑल्सो ह्यूमन बींग, द ओनली थिंग इज दैट ही इज ऑन द डेट अदर साइड ऑफ द टेबल, दैट इज हाउ यू हैव टू थिंक अबाउट इट, राइट। रवीश, इंतकाफ का क्वेश्चन है, राइटिंग अ स्टोरी एंड बायोग्राफी इज अ हॉबी, यस इंतकाफ, दिस इज अ वेरी गुड हॉबी, दैट आई राइट स्टोरीज, आई हैव रिटन अ बायोग्राफी एंड दैट्स अ वेरी गुड हॉबी। एंड वेन यू इंतकाफ, जब आप बात करेंगे तो आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ मैं स्टोरी लिखता हूँ, बायोग्राफी लिखा है, और तो लेकिन ये ब्लफ नहीं होना चाहिए, लिखा है तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, क्या नाम है, किस साल लिखा, उसमें इसका मेन क्रक्स क्या है, किस बारे में है, दैट यू शुड बी नोइंग, सो दैट इफ ही टॉक्स टू यू यू आर एबल टू गिव द आंसर, राइट इंतकाब। अनीश कुमार का क्वेश्चन है, हाउ डू यू डील विद प्रेशर और स्ट्रेसफुल सिचुएशन। अनीश, ये आंसर कल आएगा, आई हैव ऑलरेडी रिटन देयर इन द क्वेश्चंस, टुमारो आई एम कवरिंग दिस क्वेश्चन, सो डोंट वरी अबाउट इट, आई विल बी आंसरिंग दिस, ये सारे मेरे इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर के पार्ट हैं, आई विल बी कवरिंग दिस। इफ इंटरव्यूअर आस्क मी व्हाट आर योर वीकनेसेस, वेरी गुड, व्हाट शुड बी योर रिप्लाई, शिवम आई एम आंसरिंग दिस टुमारो, दिस इज अ पार्ट ऑफ माई क्वेश्चन एंड दिस इज इन फैक्ट द पार्ट ऑफ टॉप 10 क्वेश्चन एंड आंसर, सो ये आंसर मैं कल दूंगा, क्योंकि कल हम इसको डिटेल में यही डिस्कस करेंगे। निधि, निधि का क्वेश्चन है, अदर देन वॉकिंग व्हाट मोर हॉबीज आर देयर फ्रॉम क्वेश्चंस कांट बी अदर देन वॉकिंग व्हाट मोर हॉबीज, बहुत सारे हॉबीज लिख सकते हो आप, आपको प्लांटेशन हॉबी है, वॉकिंग तो मैंने एग्जाम्पल था, मेरा एग्जाम्पल था, हॉबीज निटिंग आपको सिलने आता है वो हॉबी है, ड्राइंग आपकी हॉबी है, लिसनिंग म्यूजिक आपकी हॉबी है, बट जब आप लिसनिंग म्यूजिक की बात करेंगे यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, जस्ट डोंट से सर लिसनिंग म्यूजिक, और बहुत कॉमन है, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक यू लिसन, क्लासिकल म्यूजिक, मॉडर्न म्यूजिक, जैज म्यूजिक, विच म्यूजिक, यू शुड बी वेरी क्लियर, सर आई लाइक प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट, विच इंस्ट्रूमेंट, फ्लूट, सितार, तबला, व्हाट, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, बी स्पेसिफिक अबाउट इट, राइट। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, व्हेन एवर यू गिव आंसर यू हैव टू बी स्पेसिफिक अबाउट हॉबीज, कोई भी हॉबी आप बोल सकते हो, नो बडी स्टॉप्स यू, एनी हॉबी, बट डोंट टॉक अबाउट एब्सर्ड हॉबी, जो किसी को जो मतलब जो ऑकवर्ड ना हो, नॉर्मल कोई भी हॉबी, चाहे आपको कुकिंग है, सिलाई बुनाई है, हॉबी शुड नॉट बी रिलेटेड विद योर एजुकेशन, बिकॉज हॉबी इज डिफरेंट एंड योर, आप बोलेंगे सर मेरे को सर्फिंग अच्छा लगता है, सर्फिंग इज ए जनरल, एवरीबडी हैज टू सर्फ, इट्स नॉट अ बिग थिंग, यू हैव टू आस्क योर हॉबी द, एंड यू शुड बी जेन्युइन व्हेन यू टॉक अबाउट योर हॉबी, रियली जेन्युइन, बिकॉज लाइक आई स्टिल लव वॉकिंग, सो मैंने वॉकिंग बोला था, I love talking, I can say I talk a lot.
Talking is my hobby. Making friends is my hobby. You can always write your hobbies, whatever, but it will have to be genuine. Okay. Ravish has given about the name of the principal. Okay, fine. Mohammed, got it, sir. Thank you. Kumar Viswa, is it okay when our expectation about the salary, which I wish is not equivalent, can we discuss with that? I will tell you, Kumar Viswas, tomorrow I am going to talk about it. But let me tell you, you as a fresher, again I am telling you, you as a fresher cannot discuss salary at all. As a fresher, salary to aana hi nahi chahiye. That I am going to tell you tomorrow, right? एक्सपीरियंस बंदे को कैसे बोलना है वो भी मैं कल बताऊंगा. टुमारो इट विल आई विल कवर इट. डोंट वरी अबाउट इट. राइट, दिस आई एम गोइंग टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चन जो मैं कल करूंगा. मैं इसमें आपको बता रहा हूँ व्हाट शुड आई से इंटरव्यू अबाउट हॉबीज. आई हैव टॉक्ड अबाउट इट. हॉबीज में आप क्या बोल सकते हैं. राजीव, फीडबैक फॉर्म वो सर का देने का काम है, सर बताएंगे. प्रिया रानी, ओके सर. राजीव कुमार गुप्ता, प्लीज सेंड फीड. ओके, एनी डिफरेंस बिटवीन कैंपस इंटरव्यू ऑफ कैंपस एंड कैंपस इंटरव्यू. ओके, ऑफ कैंपस इंटरव्यू एंड कैंपस इंटरव्यू में सिर्फ दो चीज का फर्क है. कैंपस इंटरव्यू में आपको कंपनी के बारे में बहुत कुछ पता होता है. ऑफ कैंपस इंटरव्यू में आपको कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता होता है. रिमेंबर, ऑफ कैंपस इंटरव्यू इज टफर देन द कैंपस इंटरव्यू. कैंपस इंटरव्यू में वो जब आपसे इंटरव्यू लेने आते हैं तो वो एक प्री माइंडसेट से आते हैं. उनको ये पता होता है कि मुझे बच्चों से ये पूछना है और जिस कंपनी से है उस कंपनी में क्या क्या काम होता है वो सब डिटेल आपके पास रहता है और आप उस हिसाब से अपने आप को स्टिल ट्यून कर सकते हो. लेकिन ऑफ कैंपस इंटरव्यू में आपको कुछ भी नहीं पता हो सकता है. अगर कोई किसी ने ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की बात करी है कंपनी से, हो सकता है वो आपको सेल्स मिले, मार्केटिंग मिले, क्वालिटी मिले, प्रोडक्शन मिले, मेंटेनेंस मिले, R&D मिले. There could be any department. You may not be, he may not be, you may not be very sure about it. So campus interview में काफी चीजें आप उसके करीब होते, but off campus में it can be anything. So off campus is slightly tougher. और दूसरी बात होती है off campus interview में नए चेहरे दिखते हैं आपको चारों तरफ. आपके campus interview में आपके campus के student रहते हैं तो you are much more comfortable. Oh Prabhat, I have answered your question. अजीत says that sir interview room door को कैसे open करना है चाहिए, क्या हमें knock करना चाहिए, room में कैसे enter करना है. या interview etiquettes में cover करूंगा मैं, पर आपको बताता हूँ. Always remember, अगर आपका door आधा खुला हुआ है, पहले आप you will do very humble nice knock thak thak and then you will push a bit, हल्का peeping करेंगे से may I get in sir, may I come in please, that's how you will speak, right? You will and the knock has to be very gentle. ऐसा नहीं कि मुक्का लेकर के ढम ढम कर दिया, वो नहीं करना है हमको. Nice gentle knock with this tuk tuk or tuk tuk. Excuse me sir, say excuse me sir, excuse me, can I come in please, he is already waiting for you, say yeah please come in. That is how you have to. Or अगर वो even if door खुला हुआ है और वो आपको देख रहा है कि आप सामने से आ रहे हैं बट आप डोर्स के सामने बाहर हैं, तब भी आप पूछेंगे डोर के पास जाके, तब आपको नॉक नहीं करना है. नॉक तब करना है जब डोर आधा बंद है या पूरा बंद है. अदरवाइज आप खुले डोर में ऐसे नॉक करके नहीं बात करेंगे, देन दैट्स रॉन्ग. खुले डोर में आपसे देखेंगे एक्सक्यूज मी सर कैन आई कम इन प्लीज, दैट्स हाउ यू विल स्पीक. होप आई हैव आंसर्ड प्रभात. अजीत, इंटरव्यू रूम डोर को कैसे ओपन करना है, आई हैव टॉक्ड अबाउट इट. राजदीप sir, in many cases family is one of the reason for anxiety, how do you handle it? Very nice question Rajdeep. Family circumstances ke bare mein main batana chahta hu, you should always be proud whatever family background you hail from. Whatever, mere father agar riksha chalate hain, I should say with pride, my father runs the auto, my father drives riksha, and you have to say with pride. फैमिली बैकग्राउंड को लेके कभी भी नीचा नहीं दिखना है, अपने को सिर नीचा नहीं करना है, और वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है. इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, आई नो यू हेयर फ्रॉम ए पुअर फैमिली, पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड, हाउ डू यू, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, एंड यू कैन ऑलवेज से दैट यस आई हैव नो प्रॉब्लम विद माय पुअर फैमिली बैकग्राउंड बिकॉज एंड ऑफ द डे दिस इज इट लाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन मी. I am here to work hard and earn more, and I will support my family. Show confidence and never ever hesitate about your family background.
चाहे आपके पापा फार्मर हैं, चाहे वो ड्राइवर हैं, और चाहे वो आईएएस ऑफिसर है, डजंट मैटर. दे आर इंटरव्यूइंग यू, दे आर नॉट इंटरव्यूइंग योर पेरेंट्स. दे आर चेकिंग योर नॉलेज एंड नॉट चेकिंग योर फादर्स नॉलेज. रिमेंबर दिस. और जो भी बंदा इंटरव्यू में अपने फैमिली बैकग्राउंड को कॉन्फिडेंटली रखता है, उसको बहुत अच्छे से देखा जाता है. सो इसलिए उसके लिए कोई एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए. मोहम्मद आलम सर, आई वुड लाइक टू एड एज एन ऑन टू अनामिका's क्वेश्चन. समटाइम्स वी गो फॉर इंटरव्यू इन अ वेरी न्यू कंपनी एस्टैब्लिश्ड. एट दैट टाइम इंटरव्यूअर आस्क हाउ मच डू यू सी योर कैरियर इन दिस कंपनी, हाउ वुड यू टेक अ बिग रिस्क टू टेक कंपनी टू न्यू एस्टैब्लिश्ड स्टेट वेयर यू मे नॉट बी सपोर्टेड बाय कलीग्स इन द स्टार्टिंग डेज. यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन मोहम्मद. आई टेल यू वन थिंग, दिस इज फॉर स्टार्टअप कंपनी में क्वेश्चन पूछे आते हैं एंड यू से दैट सर इट्स वेल स्टार्ट विद द वेल. सर आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस आंसरिंग दिस क्वेश्चन, से लाइक दिस, आई एम रियली एक्साइटेड आंसरिंग दिस क्वेश्चन. आई नो योर कंपनी इज इन स्टार्टिंग फेज, इट्स अ स्टार्टअप कंपनी एंड आई वुड लव टू वर्क विद स्टार्टअप कंपनी बिकॉज आई वुड गेट अ चांस टू लर्न एंड परफॉर्म वेल. आई कैन प्रूव माई स्किल्स बाय वर्किंग हार्ड. एंड एज फार एज सपोर्ट इज कंसर्न, द मोर आई गो थ्रू द हिकअप्स एंड द बॉटम लेग्स, द बेटर इट इज फॉर मी टू लर्न एंड सी द ग्रोथ एंड टू कंट्रीब्यूट इन द ग्रोथ ऑफ द कंपनी. से लाइक दिस. गॉट इट मोहम्मद व्हाट आई एम सेइंग? सो आपको इस तरीके से आंसर देना है. शुभम कुमार बोलते हैं, व्हेन यू आस्क मी टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाट शुड आई टॉक अबाउट, स्ट्रेंथ ओनली. शुभम इसका आंसर मैं कल दूंगा, टुमारो इट इज देयर दिस पार्ट, टेल मी अबाउट योर सेल्फ. बट मैं आपको बता दूं, आपको स्ट्रेंथ वीकनेस की बात नहीं करनी है इन योर इंट्रोडक्शन. आई एम जस्ट टेलिंग यू नाउ, टुमारो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट. यू डोंट हैव टू टॉक अबाउट योर स्ट्रेंथ एट ऑल. ओके पुष्पा कुशवाहा सर, बट देयर इज अ क्वेश्चन विल बी मोर फास्टर if the question will be more fast than our response time, then yes pushpa, there will be situation there jahan wo aapko jab wo question fast kar de, ek ko aap answer dijiye, and at times you can say excuse me ma'am let me finish this answer. You can say that humbly, excuse me ma'am can I finish this answer please, excuse me ma'am let me finish this answer. The moment he finishes answer, you take it in your grip. Yeah ma'am, you are asking some question, ma'am let me answer her question, ask her question, tell me what you are asking ma'am. Okay, this is the answer. Tell me, ma'am, you are also waiting. I'm sorry. Tell me. That is how you have to change your gesture and take it in your control. Got it, Pushpa? Hope I answered your question. Ravish, yeah, you got it. Very good. Pushpa Rani, sir, what is the first thing we do when we enter in the interview room if they tell us to sit down? Yes, Pushpa Rani, I am going to answer this tomorrow. Tomorrow morning, I am going to talk about this. Interview etiquettes tomorrow, I am going to take up. So I am going to answer. अभी मैंने आज इंटरव्यू एटिकेट के बारे में बात नहीं करी, इंटरव्यू हैंडलिंग के बारे में बात करी. कल मैं आज मैं ये लेके आया था कप एंड सॉसर की, चाय भी देंगे तो क्या करेंगे, कहाँ पे कप रखेंगे, कहाँ सॉसर रखेंगे. टुमारो आई एम गोइंग टू टेक अप दिस, डोंट वरी अबाउट इट. श्रुति हैज अ क्वेश्चन, प्लीज डू नॉट. नो सर, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन. After Bhaskar. Okay, got it. Bhaskar, what content should be in our introduction? I am going to answer it tomorrow. Don't worry about it. Aditya Narayan, tomorrow I am going to cover what should be our introduction. I am going to talk about it tomorrow. Don't worry. How can I improve my communication skills? Aditya. मैंने आपको बोला है कम्युनिकेशन के लिए, कल भी बताया था, अपने दोस्तों के साथ बाहर निकलिए, ग्रुप बनाइए 5 बच्चों का 6 बच्चों का, उसमें एक बच्चा ऐसा होगा जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी. घर से बाहर निकलिए और इंश्योर कि आप हॉस्टल से बाहर जाते हैं और वापस आते हैं, एक टॉपिक लीजिए उसके ऊपर बात करते जाएंगे. और जो एक अच्छा आपके ग्रुप में जो एक बंदा ऐसा है जिसकी इंग्लिश सबसे अच्छी है, उसको बोलना कि आप नोट करते रहना एंड गाइड मी व्हेन आई एम स्पीकिंग दैट टाइम इटसेल्फ. और आप सब लोग पांचों लोग 2 घंटे शाम को जब आप खाना खाने के सॉरी शाम को वॉक के लिए निकलते हो, उस वक्त आप सिर्फ इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, गलत सही लेकिन बोलना इंग्लिश में ही है, पहली चीज मैं आपको बताता हूं. और जो बच्चा एक अच्छा है आपके साथ में, आपका फ्रेंड जो अच्छी इंग्लिश जानता है, उसको बोलना कि बताना मैंने सही बोला ना, मैंने गलत तो नहीं करा. वन
मैंने आपको एक और चीज बताता हूं, इंग्लिश सीखने का एक दूसरा बहुत अच्छा तरीका है कम्युनिकेशन का, फ्रेगमेंट्स में डाल दीजिए हमेशा, फ्रेगमेंट्स में। मैंने कल शाम को ही किसी दूसरे ग्रुप को बताया था कि मैं हॉस्पिटल जाऊंगा और डॉक्टर मुझसे ये पूछेगा तो मैं कैसे जवाब दूंगा। नोट डाउन 7, 10, 12 क्वेश्चंस, मैं इसको आंसर ऐसे दूंगा, जस्ट नोट डाउन। अगर मैं प्रोफेसर से बात करता हूं कॉलेज में, वो मुझसे ये पूछेंगे या मुझे उनसे ये पूछना होगा तो मैं कैसे जवाब दूंगा। नोट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड राइट योर आंसर। 3, if I go to a railway station and I have to talk to a stranger sitting in the train, how will I answer this? 4, if I have to talk to a venture capitalist or if in an interview or कोई funder से बात करनी तो कैसे answer दूंगा? इनको लिख लीजिए, अपने आंसर लिखिए और कॉलेज में प्रोफेसर से या किसी से जो आपका अच्छा दोस्त की इंग्लिश अच्छी है उसको बोलो, बॉस ये अगर ये देखता है इसका आंसर मैंने ये लिखा है, ये आंसर में वोकैबुलरी ठीक है, ग्रामर ठीक है, जस्ट चेक इट। जब भी आप इंग्लिश सीखना और आप फ्रेगमेंट्स में एक एक जगह लिखते जाइए सारे क्वेश्चंस, बिलीव मी आई हैव प्रैक्टिस। आई हेल फ्रॉम हिंदी मीडियम स्कूल, आई स्टडीड फ्रॉम यूपी बोर्ड, प्योर हिंदी बोर्ड, एंड आई वाज अ टॉपर ऑफ माय फॉर इंग्लिश इन माय स्कूल। हाउ आई लर्नड इट, देयर वाज नोबडी टू गाइड मी, देयर वाज नोबडी एट माय होम, वी यूज्ड टू स्पीक हिंदी, यू नो हाउ आई लर्नड, very plain and simple. I did the same thing. I started putting into fragments, started writing my questions which are coming to my mind, I started putting down my answers, and I used to go to my teacher and say, sir, this is what I am thinking about this answer, is that okay? He said, yeah Sanjay, this is correct, this is what, here you can change like this, this is how you can learn. So apne ko force karna, you need to force yourself to speak. The moment you start forcing yourself to speak, you will say that you are having a better grip over English, that's all, right? I hope I have answered Aditya your question. Sudhir Kumar sir, if interviewer bombards a number of questions, then how should we tackle them? That situation, I have just answered it. Agar aapko koi bombard karta hai, to ek answer dijiye, dusra bolta hai, usko first karne ke liye, but excuse me, ma'am, I'll just get back to you. Let me complete him. Then say, excuse me, ma'am, tell me you are asking some question. Tell her. कोई और बोलता है, one second ma'am, let me finish this, then go. You say that you are want to answer everybody question, you will be able to handle it. Amar Baranwal, so during the interview, interviewer told that what is your hobbies? If one of your hobbies singing, an interviewer say that please sing a song, what can I do? Sing a song means sing a song, go and sing, that's what they want to see. Don't sharmana nahi hai, smile karke bola, yes sir, I would love to sing a song, and I tell you, the moment you sing a song, you are in, that's what they want to see, ki aapke andar kitni taakat hai, aap kis tarike se bina hichke hue jawab de sakte ho. Yes, you sing a song. Very good. Okay, Ankit Kumar Mehta. I'm a fresher. I have got backlog in two subjects. First semester exam. Now I have cleared it. If interviewer asks me why have you got a backlog, then what should I reply? Yes, sir. Well, I have got backlog in two subjects. I really could not work very well on this. Look at my face, how I'm speaking. I am not getting worried about this question. Yes, sir. I have got backlog with two questions, and somehow I could not really work very well on these two subjects. But now I'm working on this, and I'm sure in the coming exam I will clear the exam. Finish. Nobody can ask you anything. You have got so much of confidence. Aap question sun karke hile bhi nahi. In fact, aapne usko bola, yes, I could not prepare on this somehow, but I will work on this, and the next exam I will clear it. Confidence jaani chahiye. Right, Ankit? This is how you have to answer. How do you deal with pressure, stressful situation? Anish, tomorrow I am answering this. Ye question mere question mein, mere questionnaire mein hai. Kal main iska answer dunga. Kundan Kumar, using flowery, idiomatic and grammatically correct language necessary or some error is allowed. Some error is allowed. जितना भी आप ना बहुत ही हाईफाई इंग्लिश बोलने की कोशिश करोगे, you will not be viewed something great. You have to speak normal English, normal communication language, normal English, very normal, जैसे हम और आप बात करते हैं, right? English में गलती होगी, होने दीजिए, गलती होने के बाद में रुकना नहीं, flow maintain रखना है, important is the flow, don't try to show that, yeah, I am getting embarrassed because I made a mistake, or, I'm sorry, I am not able to maintain a flow, जो जैसे आता है बोलिए, English नहीं आती है ना, बोलिए sir, can I converse with you in Hindi? Speak, come, speak in Hindi. Nobody stops you. छोड़ना नहीं है, give up नहीं करना है, nervous नहीं होना है. Say, sir, can I speak? Right? That is how you have to speak. I hope, Kundan, I have answered your question.
then comes thank you. Okay, I hope I have answered everybody's question. If there's any more question, you can write now or at tomorrow. I will be taking up interview question and answer or my interview etiquette kal bataunga ki aap room mein kaise jayenge, fir aap kya karenge, wo main kal wo karunga, aapko handle karunga. You can note down your question. So hope you guys are liking the questions, liking this session. And I hope I can I hang up. How can we correct, sir? How can we connect to you after the end of 7-day training? मेरे मैं आपको मेरा जो last slide है उसमें मेरा phone number और mail ID लिखा है. If any one of you want, I can tomorrow I will give it to you. My number, and you can remain connected, but you can note down my number. I am writing it over here. Please note down my number 9535635635 9535635635. This is my number, and my mail ID is concordsulting108@gmail.com. concord.consulting108@gmail.com. This is my cell number. This is my mail ID 9535656565. You can remain connected with me any point of time. You can just call me. Just say I am Rani speaking, Rakesh is speaking, Naveen is speaking from this college. और अगर मैं बिजी हूं तो मैं आपको बोलूंगा मैं शाम को बात करता हूं. अगर शाम को नहीं फोन किया आप मुझे व्हाट्सएप कर दिए कि मेरे व्हाट्सएप भी इसी नंबर पे है एंड आई वुड लव टू गिव यू आंसर. ओके सो थैंक यू सो मच. सो टुमारो अटेंड अस. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. सो आई एम वाइंडिंग अप. आई एम हैंगिंग अप नाउ. हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली. बाय बाय. थैंक यू सर. The feedback link has been provided in the chat box. Please fill them and leave the meeting room. Please fill the feedback form and leave the meeting room fast. All day attendance is compulsory. No minimum attendance.
विजेंद्र सर, सर आर यू देयर? या ही इज देयर? आस्क योर क्वेश्चन. वो ना था, और कल मैंने सेशन ज्वाइन भी किया था पर मुझे लिंक नहीं मिला था अटेंडेंस का. No issues, carry the next session. There are still three sessions more. These three have been completed. Okay.